Jai Satchidanand. Namo Vitragai. Namo Vitragai. Namo Arihantanand. Namo Arihantanand. Namo Siddhanand. Namo Siddhanand. Namo Ayarhiyanam. Namo Ayarhiyanam. Namo Vasayanam. Namo Vasayanam. Namo Loe Sabbasahunam. Namo Loe Sabbasahunam. Aiso Pancha Namukaro. Aiso Pancha Namukaro. Sabba Pavapanasano. Sabba Pavapanasano. Mangala Nancha Sabvesim. Mangala Nancha Sabvesim. Paramam Havai Mangalam. Paramam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Pratyaksh Dada Bhagwan ki Sakshi mein. Pratyaksh Dada Bhagwan ki Sakshi mein. Vartamani Mahavide Kshetra mein Vidyaman. Vartamani Mahavide Kshetra mein Vidyaman. Tirthankar Bhagwan Sri Simandhar Swami ko. Tirthankar Bhagwan Sri Simandhar Swami ko. Atyant Bhakti Purvak Namaskar karta hun. Atyant Bhakti Purvak Namaskar karta hun. Vatsalya Murti Sri Dada Bhagwan ko. Vatsalya Murti Sri Dada Bhagwan ko. Atyant Bhakti Purvak Namaskar karta hun. Atyant Bhakti Purvak Namaskar karta hun. 33 koti devi devtao ko. 33 koti devi devtao ko. Atyant bhakti purvak namaskar karta hu. Atyant bhakti purvak namaskar karta hu. Vitrag shasan devi devtao ko. Vitrag shasan devi devtao ko. Atyant bhakti purvak namaskar karta hu. Atyant bhakti purvak namaskar karta hu. Nishpakshpati Sasan Devi Devtao ko. Nishpakshpati Sasan Devi Devtao ko. Atyant Bhakti Purvak Namaskar Karta Hu. Atyant Bhakti Purvak Namaskar Karta Hu. Is Kshetra ke Rakshak Devi Devtao ko. Is Kshetra ke Rakshak Devi Devtao ko. Atyant Bhakti Purvak Namaskar Karta Hu. Atyant Bhakti Purvak Namaskar Karta Hu. इस ब्रह्मांड के सभी जीवों के रियल स्वरूप को इस ब्रह्मांड के सभी जीवों के रियल स्वरूप को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूं अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूं जगत भर के संत पुरुषों का योग बल जगत भर के संत पुरुषों का योग बल जगत भर के सत पुरुषों का योग बल जगत भर के सत पुरुषों का योग बल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल समस्त विश्व का कल्याण करे कल्याण करे कल्याण करे समस्त विश्व का कल्याण करे कल्याण करे कल्याण करे और कल्याण करने का निमित्त बनने की और कल्याण करने का निमित्त बनने की हम सब महात्माओं को हम सब महात्माओं को परम शक्ति दे शक्ति दे शक्ति दे परम शक्ति दे शक्ति दे शक्ति दे जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें जगत कल्याण हो 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 जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद इस संसार में सभी जीव सुख की खोज के लिए जीता है सुख की खोज कोई भी जीव को दुख पसंद नहीं है और सभी जीव अपने जीवन में
अपनी बुद्धि के मुताबिक और अपनी क्षमता के मुताबिक ये 5 senses के माध्यम से सुख पाने का प्रयास करते हैं। और हर व्यक्ति प्रयास करने के बाद भी यू कैन आस्क एनी पर्सन एट एनी एज 30, 40, 50, 60, 70, 80 years, 90 years यू आस्क आप अभी सुखी हो गए तो उत्तर क्या मिलेगा? नहीं, हर व्यक्ति प्रयास करता है और हर व्यक्ति का उत्तर ये है। मेरा कहने का मतलब ये है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सम ऑफ देम, आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑल, दैट द क्वेश्चन। आप समझे मैं क्या कहना चाहता हूँ? हर व्यक्ति को आप उत्तर दोगे, कोई भी एज का होगा, तो वही कहेगा स्टिल आई एम सर्चिंग द हैप्पीनेस। कोई ये नहीं कहेगा कि नाउ आई एम हैप्पी, ऐसा नहीं कहेगा। जैसे हम स्कूल में या कॉलेज में पढ़ाई करते हैं और हर बच्चे हर स्टूडेंट एग्जाम देते हैं और फिर रिजल्ट आता है 100 में से 100% फेल, तो क्या होगा? दिस इज क्वेश्चन मार्क, ओके? दिस इज नॉट लाइक अ नॉर्मल थिंग, इट्स अ क्वेश्चन मार्क। व्हाई एवरीबडी, व्हाई दे ऑल आर फेल? कई लोग कहते हैं कि मेरे को तो सुख मिल गया। मैं कहता हूं अगर मिल गया है तो ढूंढते क्यों हो? यू अंडरस्टैंड मी? अगर मिल गया है तो फिर ढूंढते क्यों हो? मगर मिला नहीं है। क्यों नहीं मिलता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? बिकॉज ऑफ जो जो चीज में या वस्तु में सुख मानते हैं उसमें सुख देने का स्वभाव नहीं है। जैसे हम कपड़े पहनते हैं तो हमको कपड़ा पहनना कलर डिजाइन के आधार से अच्छा लगता है, मगर वही कपड़ा अगर दूसरे को पहनाओ तो उनको हैप्पीनेस फील होगी? तो हैप्पीनेस कपड़े में से आती है या बिलीफ में से? किस में से आती है? और हम क्या मानते हैं? कपड़े से आ रही है। रॉन्ग बिलीफ। अगर उनका स्वभाव सुख देना है तो ये कपड़ा कोई भी पहनेंगे तो उसको सुख फील होना चाहिए बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ क्लोथ, मगर ऐसा नहीं है। इस प्रूफ के कपड़े में से सुख मिलता नहीं है। कपड़ा हमारी मर्यादा का साधन है, वो स्वीकार करते हैं, मगर सुख का साधन है वो रॉन्ग बिलीफ है, और इसीलिए हम सुख पाने में फेल होते हैं। ओके, एग्जाम्पल नंबर 1। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2। हम समझते हैं कि खाने में सुख मिलता है, कोई भी चीज जो आपकी पसंद की चीज है खाने में सुख मिलता है, ऐसा मानते हैं। जैसे आजकल तो जो बच्चे लोग होते हैं यंगस्टर, उनको तो पिज्जा खाने में मजा आता है, पिज्जा एंड सोडा, राइट? तो उनको पिज्जा खाने में आनंद आता है, आपको आनंद नहीं आता होगा इतना, राइट? सो हैप्पीनेस इज नॉट कम आउट फ्रॉम द पिज्जा, इट इज डिपेंड ऑन योर मेरिट। तो उसमें सुख देने का स्वभाव नहीं है। खाना शरीर के लिए जरूरी है, उसमें कोई मना नहीं करता है, मगर खाने में सुख देने का स्वभाव नहीं है, बॉडी चलाने का उनका स्वभाव है। तो हम उसमें सुख मानते हैं, ये रॉन्ग बिलीफ है। कई लोग समझते हैं कि हमको व्हीकल्स में से सुख मिलता है। जैसे यहाँ आते हैं तो पहले तो कार बार कुछ होती नहीं है, फिर सेकंड हैंड कार लाते हैं एंड वी एंजॉय अवर लाइफ बिकॉज इट्स रिक्वायर यू नो फॉर अ ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ तो और कोई ट्रांसपोर्टेशन है नहीं, फिर पुरानी कार लेके फिर थोड़ा समय 1 साल 2 साल 3 साल निकाल देते हैं, फिर नई कार लेता है, बोला अभी ये कार ठीक नहीं है, नई कार लेंगे, फिर उसमें आनंद आएगा हमको। थोड़े समय के बाद लगेगा कि भाई नई कार में भी आनंद नहीं है, अभी तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में कार चाहिए। यानी हमारी बिलीफ हर समय क्या होती है?
तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको आपका आनंद बिलीफ के साथ जुड़ा है, मटेरियल के साथ नहीं जुड़ा है। और अगर आप मानते हैं कि कार में से सुख मिलता है, ये आपकी रॉन्ग बिलीफ है, क्योंकि बिलीफ के साथ जुड़ी है, कार के साथ नहीं जुड़ी है। आपके बिलीफ को लगता है कि ये मेरे को पसंद है, ये नहीं पसंद है। कार का स्वभाव आनंद देने का नहीं है और ना ही दुख देने का, उनका स्वभाव ट्रांसपोर्टेशन का है। हम मानते हैं कार में से सुख मिलता है, दिस इज अवर बिलीव। कार नहीं कहती है कभी ऐसा, राइट और रॉन्ग। ऐसे हर चीज के अंदर हर इंसान मानता है कि पैसे से सुख मिलता है। क्या मानते हैं? पैसे से सुख मिलता है, पर रॉन्ग बिलीफ है। पैसा ही तो झगड़े का कारण है। एवरीवन दे गो इन अकॉर्ड बिकॉज ऑफ मनी और काइंड ऑफ मनी, राइट। पैसा ही तो झगड़ा का मूल है सब। तो पैसा व्यवहार चलाने का साधन जरूर है, मगर पैसा सुख का साधन नहीं है। तो आखिर ये हर चीज के अंदर अगर सुख नहीं है, या तो सुख देने का स्वभाव नहीं है, तो रियली स्पीकिंग सुख कहाँ है? दैट इज क्वेश्चन। हम सब सुख ढूंढने का प्रयास करते हैं, मगर ये बाहर की दुनिया में जो जो चीज में हम सुख पाने का प्रयास करते हैं, वो मिलने के बाद भी सुख नहीं मिलता। इट्स मीन्स द रियल हैप्पीनेस इज समवेयर एल्स, राइट। तो कहीं अवतारों से हम सुख पाने के हर प्रयास के बाद भी विफल होते हैं, बिकॉज ऑफ रॉन्ग बिलीफ, बिकॉज ऑफ। तब ज्ञानी कहते हैं सुख बाहर नहीं है, कहाँ है? अंदर है। और अंदर का मतलब है आत्मा के अंदर, शरीर के अंदर नहीं। शरीर के अंदर होता तो डॉक्टर निकाल देता, क्या बताए, इट इज नॉट अ फिजिकल थिंग्स, ओके। वो आत्मा के अंदर है, एंड आत्मा इज अ नॉन फिजिकल एंड नॉन विजिबल। बिकॉज फिजिबल नहीं है तो विजिबल भी नहीं है, बट यू कैन रियलाइज इट। तो सुख वो आत्मा के अंदर है, और सुख वो आत्मा का स्वभाव है। नेचर ऑफ द सोल इज हैप्पीनेस एंड परमानेंट हैप्पीनेस। बिकॉज द सोल इज परमानेंट, सो हैप्पीनेस इज ऑल्सो परमानेंट। मगर यहां प्रश्न होता है, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द सोल। हम सोल को कैसे पहचाने, सोल को कैसे बिलीव करें, या तो आत्मा को कैसे बिलीव करें, क्योंकि वो तो देखने में तो नहीं आता है। हमारे शास्त्रों में लिखा है, या तो हमारे धर्मगुरु बताते हैं, मगर हमको दिखता नहीं है। तो हम इसको कैसे माने, हम इसको कैसे माने आत्मा को? तो जैसे ये फैन चालू है, और मैं आपको प्रश्न करूं कि पावर है कि नहीं, आप क्या कहोगे? पावर दिखता है? पावर का अनुभव है? अनुभव है, अनुभव तो है। पावर का अनुभव है, अभी बैठे हैं, पावर का अनुभव है? ये देख के कैसे मालूम होता है? नहीं, अनुभव है, हवा चल रही है तो पावर से चल रही है ना। पंखा से हवा आ रही है, पावर से नहीं आ रहा है। कॉमन सेंस तो ये कहता है, हमारा जिस स्टेज पे हम लोग, और वही पावर से आपको हीटिंग भी हो सकता है। जिस पावर से स्टेज पे हम लोग हैं, हमें पता है। इट इज अ मैकेनिज्म। एयर आती है, वार्म या कोल्ड, मशीन चलता है, कटिंग मशीन भी चलता है और सिलाई मशीन भी चलता है। यू अंडरस्टैंड मी, एम आई राइट और रॉन्ग? वही पावर से कटिंग भी होता है और वही पावर से सिलाई भी होती है। तो पावर का तो काम नहीं है, इट्स अ रोल ऑफ मैकेनिज्म, एम आई राइट और रॉन्ग? पावर इज अ कॉमन थिंग। वो पवन नहीं डालता है, वो हीट नहीं डालता है, उनका काम काटने का नहीं है, मगर मशीनरी को पावर मिलने से मशीनरी एक्ट होती है, वर्क करती है। जैसा मैकेनिज्म है ऐसा काम होता है। पावर तो पावर है, इट्स अ कॉमन थिंग। उनका कोई रोल एक्शन के फॉर्म में नहीं है, बट कन्वर्ट इन एक्शन। तो ये फैन चलता है, फिर भी हमको ना पावर दिखता है
न पावर का अनुभव है, मगर बिकॉज ऑफ वो एक्टिव है तो वी अंडरस्टैंड के पावर है। ऐसा मैं कहता हूँ कि आपके दिमाग में सोच आता है मतलब आत्मा है, दिखे या ना दिखे। लाइक एग्जाम्पल, अगर आप बोलते हैं तो आत्मा है, अगर आप एक्शन करते हैं तो आत्मा है, अगर आत्मा नहीं है तो न सोच सकते हैं, न बोल सकते हैं, न क्रिया कर सकते हैं। Am I right or wrong? अगर आत्मा निकल गई तो हम बोल सकते हैं, कोई क्रिया कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो इसीलिए आत्मा तो है, अनुभव वो अलग चीज है, मगर पहले कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए ना कि आत्मा है। जैसे यहां कैसे कहा, पावर है, बोले ना देखा है, ना देख सकते हैं, ना अनुभव किया है, मगर बिकॉज ऑफ द एक्ट वी बिलीव 100% कि द पावर है। ऐसे यहां भी हम सोचते हैं, बोलते हैं, क्रिया करते हैं, मतलब आत्मा है। अगर आत्मा नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो फिर बाद में सेकंड क्वेश्चन आता है कि आत्मा की पहचान कैसे करें। अभी तो डाउट तो पहले निकलना चाहिए ना, पहले डाउट ही हमको डाउट रहे कि भाई आत्मा है कि नहीं है, तो फिर आगे बढ़ने का प्रश्न नहीं होता है। तो पहले डाउट क्लियर होता है कि नहीं, आत्मा तो 100% है ही। क्या बताए, इसीलिए पहला एग्जाम्पल दिया ना आपको, द फर्स्ट एग्जाम्पल, विदाउट सोल आप ब्रीद नहीं ले सकते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? विदाउट सोल ब्रीद नहीं ले सकते हैं, सही है गलत है? नहीं, चाहे इसको आप प्राण कहो या सोल कहो, पहले मतलब मन वचन काया से कोई अलग चीज तो है जो इनविजिबल है, इतना तो मालूम होता है ना। इसको प्राण कहो तो भी आप इसको बता नहीं सकते हैं, या सोल कहो तो भी बता नहीं, आप नाम कोई भी ले सकते हो उसको। फिर आत्मा कैसे है वो भी आपको धीरे धीरे स्लोली स्लोली आपको प्रूव करूंगा, और आप जाते जाने से पहले आप सबको मालूम हो जाएगा कि आई एम अ प्योर सोल, और सोल की ड्यूटी क्या है वो भी बताऊंगा, शरीर क्या है वो भी बताऊंगा, शरीर का लाइफ कैसे चलता है, ये सब बातें साइंटिफिक एक्सप्लेन करूंगा, नॉट थियोरिटिकल। तो पहले मैंने बताया कि भी आत्मा है क्योंकि हम ये सब क्रिया कर सकते हैं, ये झट नहीं कर सकता है, कर सकता है ये क्रिया कर सकता है, नहीं कर सकता है, उसमें सोल नहीं है, ये चेयर नहीं कर सकती है, उसमें सोल नहीं है, न सोच सकते हैं, न बोल सकते हैं, न कोई क्रिया कर सकते हैं, न श्वास ले सकते हैं, राइट? ये जड़ है। तो जड़ का रोल ये है और चेतन का रोल अलग है। चेतन की हाजिरी होती है, क्या होती है? प्रेजेंस, उनकी हाजिरी में एक्टिविटीज होती है। सूर्यनारायण की हाजिरी से पूरी दुनिया चलती है, एम आई राइट और रॉन्ग? और उनकी प्रेजेंस के बिना दुनिया चल सकती है, इज इट पॉसिबल? फिर भी सन ऐसा नहीं बोल सकते कि दुनिया मैं चलाता हूं, बोल सकते हैं? उनकी हाजिरी के बिना दुनिया चलेगी नहीं, फिर भी दुनिया चलाने वाला सन नहीं है, उनकी सिर्फ क्या है? प्रेजेंस। ऐसे आत्मा ये शरीर को नहीं चलाता है, मगर आत्मा की प्रेजेंस के बिना शरीर चलता भी नहीं है। सो द सोल इज कैटलिस्ट, क्या है? कैटलिस्ट, वो परमानेंट है, उनका कोई रोल नहीं है, सिर्फ प्रेजेंस है, क्या है? प्रेजेंस है। उनकी प्रेजेंस के बिना द बॉडी इज लाइक अ डेड बॉडी। वैल्यू उनकी है और करते हैं खिलाना पिलाना मौज शौक सब कुछ उसको कराते हैं, ये सब रिलेशन साधन संपत्ति सब कुछ उसको मिलता है, बाद में जला दिया जाता है। तो व्हाट इज द वैल्यू, फिर इसकी कीमत क्या रही? कुछ नहीं, जीरो। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम आत्मा है, शरीर भी है, तो हमको शरीर मिला क्यों? ये शरीर हमको क्यों मिला? अगर आत्मा है
और आत्मा के अंदर अनंत शक्ति है, इनफाइनाइट पावर है ऑल काइंड ऑफ, तो फिर शरीर क्यों मिला? तो ये शरीर मिला है एग्जाम की रिजल्ट के रूप में, कॉज की इफेक्ट के रूप में, कर्म के फल के रूप में मिला है। हम जब एग्जाम देते हैं तो उसका रिजल्ट आता है, राइट? तो मेहनत एग्जाम में है या रिजल्ट में है? मेहनत एग्जाम में है या रिजल्ट में? एग्जाम। हम इस दुनिया में जब पैदा होते हैं तो माता पिता मिलता है, भाई बहन मिलता है, परिवार मिलता है, घर मिलता है, रिलीजन मिलता है, ये एग्जाम है या रिजल्ट? क्या है? क्या है सर? रिजल्ट है। तो एग्जाम कब दिया? विदाउट एग्जाम तो रिजल्ट नहीं होगा। पहले जन्म में दिया। देयर इज नो एनी ऑप्शन, एम आई राइट और रॉन्ग? कोई भी रिजल्ट के पहले क्या होगा? एग्जाम का ही तो रिजल्ट आएगा, ऐसे तो नहीं आएगा। तो when you accept it, कि एग्जाम पिछले अवतार में दिया था, उसका क्या है? ये रिजल्ट आया। इट मीन्स यू एक्सेप्ट द थियरी ऑफ रिकार्नेशन, राइट? यू एक्सेप्ट द कर्म का सिद्धांत आप स्वीकार करते हैं, एंड ऑल्सो यू एक्सेप्ट द सोल। आप आत्मा को भी स्वीकार करते हैं। कैसे? जिस आत्मा की प्रेजेंस में आपने एग्जाम दिया है, वही आत्मा की प्रेजेंस में आप रिजल्ट हो रहा है। एम आई राइट और रॉन्ग? कि आत्मा दोनों अलग होंगे? बॉडी अलग होगा मगर आत्मा, राइट और रॉन्ग? तो इट्स प्रूव दैट सोल इज देयर, सोल इज परमानेंट एंड बॉडी इज टेम्पररी। ईच एंड एवरी बर्थ द सेम सोल, दे हैव अ रीबर्थ। सो बॉडी इज अ डिफरेंट बट द सोल इज। तो इससे भी प्रूव होता है कि आई एम अ प्योर सोल। सो परमानेंटली आई एम अ प्योर सोल, आई एम नॉट बॉडी। टेम्पररी आई एम अ बॉडी, बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट आई एम अ बॉडी, बट बाय रियल व्यू पॉइंट आई एम अ प्योर सोल। तो जन्म के साथ हमारा जो कुछ भी लाइफ है वो डिसाइडेड है, जो कुछ मिलता है विथ बर्थ, राइट? इट इज डिसाइडेड। तो हमारा डेथ होता है वो डिसाइडेड है या हम डिसाइड करते हैं इन दिस बर्थ? डिसाइडेड। जो भी आपको समझ में आता है उत्तर दो, यू कैन रिप्लाई, नो प्रॉब्लम। डिसाइडेड है पहले से। पहले से डिसाइडेड है, कब डेथ आनी है पहले से डिसाइड। आपके काम ही का काम के हिसाब से डिसाइडेड है आपकी जर्नी। आप क्या कहते हैं? आई गेस इट्स डिसाइडेड बिकॉज इन दिस बर्थ we are not decided कि मेरा बर्थ कब होगा। Am I right or wrong? So it is decided, it means coming in a time, like a birth. So birth is decided, all circumstances of birth is totally decided. Same time that circumstances of death is also decided. Right? Now I will ask you a question. From birth to death, our life run by the mind, speech and action, मन वचन काया से हमारा जीवन चलता है, तो वो decided है या undecided है? That's the question. Mind, speech and action, all the three parts is a decided or undecided. हम एक एक करके अलग अलग लेंगे सोचने के लिए, ताकि हम इसको समझ पाए कि क्या है। We want to know the fact, okay? तो मन, पहले मन लेते हैं, क्या मन हमारे कंट्रोल में है? यस और नो? होना चाहिए। चाहिए भाई, ये नहीं है या नहीं, हाँ हाँ या ना बोलो। यू हैव ओनली टू ऑप्शन, यस और नो। नो अनदर एग्जांपल। वो होना चाहिए, इट्स ओके, मगर होता है या नहीं, दैट्स अ क्वेश्चन। तो आप क्या कहते हैं? नहीं है। आप क्या कहते हैं? नहीं। तो माइंड इज नॉट इन अवर कंट्रोल, वी एवरीवन दे रियलाइज इट,
कि हम नहीं विचार करना चाहते फिर भी विचार आ रहे हैं। हम रात को 10 बजे सोते बोला अभी सो जाना है फिर भी विचार आते हैं, क्योंकि हम करते हैं, इट इज नॉट इन अवर कंट्रोल। अगर कंट्रोल होता तो हम बंद कर देते मगर ऐसा नहीं। सो माइंड इज नॉट इन अवर कंट्रोल, इट इज डिसाइडेड एज पर अवर प्रीवियस बर्थ कॉज। और विचार आते ही रहेंगे बट नेचुरल प्रोसेस, इट इज नॉट ऑन अवर कंट्रोल। द सेकंड क्वेश्चन इज द स्पीच इज इन अवर कंट्रोल। स्पीच ओनली टू ऑप्शन, यस नो। माय स्पीच इज अंडर माय कंट्रोल। ओके, स्पीच इज इन कंट्रोल, नो। आप क्या कहते हैं? कुछ निकल आता है जो हम चाहते नहीं है। नहीं, वी हैव टू ऑप्शन, यस और नो। टू ऑप्शन ओनली, यस और नो, इन कंट्रोल और नॉट। नाउ आई विल रिप्लाई, यानी थॉट इज नॉट इन अवर कंट्रोल, स्पीच इज नॉट इन अवर कंट्रोल। नाउ द थर्ड एंड लास्ट आंसर, एक्शन इज इन अवर कंट्रोल। Not mechanical says you think, okay? No, if you give an answer, then it is okay. Action हमारे हाथ में नहीं है, depend on circumstances. किसी को प्रेम करना, किसी को हेट करना, depend on circumstances. किसी को accept करना, किसी को reject करना, depend on circumstances. आप घर में बैठे हैं, सैटरडे संडे का दिन है, वीकेंड है, और सोचा मॉर्निंग में कि हम पूरे दिन आराम करेंगे, खाना पीना खाएंगे, टीवी देखेंगे और आराम रेस्ट करेंगे, जस्ट रिलैक्स होल लाइफ होल डे। फिर भी क्या होगा, किसी का फोन आया, फ्रेंड का, भाई एक्सीडेंट हो गया है, आपको यू हैव नो चॉइस। सो योर एक्शन इज डिपेंड ऑन सर्कमस्टांसेस, एंड हु क्रिएट द सर्कमस्टांसेस, नेचर विल क्रिएट द सर्कमस्टांसेस as per your previous birth cause. So our whole life from birth to death, including our mind, speech and action, is totally pre-decided as per our previous birth cause. Totally. तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है in a terms of thought, speech and action. Everything is decided. You can ask the person, they have knowledge about the future. Okay? जिसको भविष्य का ज्ञान है, जिसको हम एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, वो आपका भविष्य बताते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, डोंट डीपली अंडरस्टैंड, ओके, जस्ट दिस एग्जाम्पल। अगर कोई एस्ट्रोलॉजर है, फोरकास्टर है, they have knowledge about आपका भविष्य देखने का, उनके पास ज्ञान है, वो बता सकते हैं कि आपका आयुष्य क्या है और क्या क्या होने वाला है, वो बता सकते हैं। इट इज प्रूव दैट इट इज डिसाइडेड, यस और नो। वो आदमी सही है गलत है छोड़ दो, आई एम टॉकिंग अबाउट द पर्सन इज राइट एंड दे हैव अ रियली दे हैव अ नॉलेज, देन दे एक्सप्लेन यू बिकॉज ऑफ इट इज अ डिसाइडेड। अगर डिसाइडेड नहीं होता तो कैसे बताएंगे भाई कि क्या होने वाला है, वो थोड़ा गेसिंग करेगा। तो कहने का मतलब यह है कि हमारा पूरा जीवन जो है, जो मन वचन काया से चलता है हर व्यक्ति का, चाहे वो राम है, चाहे कृष्ण है, चाहे महावीर है, राम को भी वनवास जाना पड़ा, उनकी धर्म पत्नी को रावण ले गया, युद्ध करना पड़ा, क्या ये चॉइस थी, ये चॉइस थी उनकी, उनकी इच्छा थी कि मेरे को ये करना है, नो चॉइस। वही तो मैं कहता हूं ना, बट नो चॉइस, इतने पावरफुल होने के बावजूद भी नो चॉइस। इट मींस ईच एंड एवरी लिविंग बीइंग क्रिएचर, दे हैव नो चॉइस ऑफ हिज करंट लाइफ। इवन दो कृष्ण भगवान का भी जन्म कहां हुआ था, जेल में। हमारा जन्म होता है महल में, उसका जन्म जेल में, कभी क्या करोगे, कर्म सत्ता के आगे किसी की चलती नहीं है। दुर्योधन को समझाने की बहुत कोशिश किया मगर फेल,
कर्म सत्ता के आगे किसी की चलते हैं? राम भी रावण को समझाने में फेल हो गए, राइट और रॉन्ग? दैट्स इट, ही इज कैपेबल, बट बिकॉज ऑफ कर्म दे हैव टू डू द फाइट. इवन दो लॉर्ड महावीर ऑल्सो द फेल, गोसाल को समझाने में फेल हो गए, उनको भी कान में खिला लगाया था. यानी कर्म सत्ता के आगे किसी की नहीं चलती है. आप ज्ञान में या अध्यात्म में कितने भी आगे क्यों ना हो, मगर जो कर्म आपने किए हैं पिछले अवतार में उसका फल तो भुगतान करना ही पड़ेगा. नो चॉइस एट ऑल, वॉट एवर योर पोस्ट डेजिग्नेशन, स्टिल यू हैव टू सफर. तो क्वेश्चन इज द क्वेश्चन इज नाउ द क्वेश्चन इज कमिंग हाउ वी कैन क्रिएट द न्यू कॉज फॉर द नेक्स्ट बर्थ. ये आपका प्रश्न आया अभी. तो फिर हम नए बर्थ के कर्म आज कैसे चार्ज कर सकते हैं, बताओ. हाउ वी कैन क्रिएट द कॉज ऑफ न्यू कॉज फॉर द नेक्स्ट बर्थ. हमारे हाथ में है, दैट्स इट. तो आंसर इज नॉट करेक्ट. जो हमारे हाथ में है नहीं, मैं तो बताऊंगा, मगर आपके पास सोचने की क्षमता है, आप इतने पढ़े लिखे हैं, इतना लाइफ अपने गुजारा है, तो आई होप यू हैव अ नॉलेज. या आई जस्ट रिपीट इट अगेन, ओके. अगर हमारा वर्तमान लाइफ, माइंड, स्पीच एंड एक्शन फ्रॉम बर्थ टू डेथ इज टोटली प्री डिसाइडेड एज पर अवर प्रीवियस बर्थ कॉज, तो हम नए बर्थ के फॉर द नेक्स्ट बर्थ का कर्म हम आज कैसे चार्ज कर सकते हैं, दैट इज द क्वेश्चन. हमारे पास भाव करने की शक्ति है. क्या करना है? भाव. भाव कनेक्टेड विथ योर इंटेंशन ऑफ टुडे. किसी को आप हेल्प करते हैं, इंटेंशन क्या है, वो कभी काम में आएगा, दैट्स योर इंटेंशन. नहीं नहीं, अलग अलग प्रकार का इंटेंशन अलग अलग संजोग में होता है. अंदर बाहर एक्शन अलग होता है, अंदर इंटेंशन अलग होता है. यू अंडरस्टैंड मी? सो इंटेंशन दे क्रिएट द न्यू कॉज फॉर द नेक्स्ट बर्थ, एंड एक्शन इज डिपेंड ऑन योर प्रीवियस बर्थ कॉज. सो बोथ आर द लाइन ऑफ डिमार्केशन. सो योर एक्शन इज डिसाइडेड व्हेन द एक्शन इज स्टार्ट एज पर द सर्कमस्टेंसेस एट दैट टाइम. व्हाट इज योर करंट इंटेंशन, दे क्रिएट द न्यू कॉज फॉर द नेक्स्ट बर्थ. आई विल गिव यू एग्जाम्पल. जैसे किसी के ऊपर आपने गुस्सा कर दिया, फिर अंदर से सोचा कि नहीं, गुस्सा करने जैसा था उसके ऊपर, यह भी इंटेंशन हो गया, और गुस्सा करना वो अच्छी बात नहीं है, यह भी आपका इंटेंशन है. एट दैट वे यू क्रिएट द न्यू कॉज फॉर द नेक्स्ट वन. तो इंटेंशन से, भाव से आप नए कर्म चार्ज कर सकते हैं जिनका रिजल्ट इस वर्ष में नहीं आएगा, जिनका रिजल्ट आपको हम सबको मालूम है. जैसा भाव वैसा भाव, वो हमने सुना है, राइट करो. जैसी क्रिया जैसी स्पीच ऐसा भाव, ऐसा नहीं सुना है. जैसा भाव वैसा भाव, तो यह भाव है, दे क्रिएट द न्यू कॉज फॉर द भाव से भाव है. राम ने रावण के साथ युद्ध किया और लाखों लोगों की हिंसा किया, किया कि नहीं किया, और वही अवतार में मोक्ष में गए. वह आंसर आ गया ना, आंसर आ गया ना, उनका भाव खराब. और एक व्यक्ति किसी को नहीं मारती है, हम भी किसी को नहीं मारते हैं, हमको हम तो चींटी को भी बचाना चाहते हैं, और फिर भी हम यहाँ घूमते हैं. और उनको राम ने इतने सारे लोगों को मारा, फिर भी वो मोक्ष में गए. तो एट द टाइम ऑफ एक्शन इज टोटल डिसाइडेड. एक्शन का रिजल्ट नहीं आएगा, एक्शन इज ऑलरेडी रिजल्ट, मगर एक्शन के साथ आपका इंटेंशन क्या है, भाव क्या है, दे क्रिएट द न्यू कॉज. मरने वाले या राम? सोल मरने वाला नहीं जाता है, मरने वाला तो यहाँ जल गया. मोक्ष में गए कौन? सोल, सोल इसकी, राम की या मरने वालों की? राम की, राम की, मरने वालों की नहीं.
मरने वालों ने तो अपना जो कुछ कर्म का हिसाब था वो पूरा किया, देन टेक रिबर्थ। मगर राम के अंदर जो सोल था वो मोक्ष में गया और बॉडी को यहाँ जला दिया गया। चाहे राम का है, चाहे कृष्ण का है, चाहे महावीर का है, चाहे कोई भी का है, बॉडी तो जला दिया जाता है। क्योंकि बॉडी हमको वो नेचुरल गिफ्ट है, वो कुदरत देती है। नेचर भी डिसाइडेड कि आपको कौन सा बॉडी देना है बिकॉज ऑफ योर कर्म। आपकी मर्जी से आपको बॉडी नहीं मिलता है, कर्म के आधार से मिलता है। यानी हमारा जन्म, जीवन और मृत्यु टोटल प्री डिसाइडेड एज पर अवर प्रीवियस बर्थ कॉज। और हम जो प्री डिसाइडेड है उसके सफरिंग के समय हम जो भाव करते हैं, जो हमारा इंटेंशन होता है, उससे वी क्रिएट द न्यू कॉज फॉर द नेक्स्ट। तो एक भाव करते हैं इसको कॉज कहते हैं, और पूरी लाइफ में जो भाव करते हैं इससे कॉजल बॉडी बनती है। क्या बनती है? कॉजल बॉडी। और कॉजल बॉडी के मुताबिक नेचर विल गिव यू द इफेक्ट बॉडी। हम डिसाइड नहीं करते हैं, नेचर डिसाइड करती है। एंड लॉ ऑफ नेचर इज एप्लीकेबल टू एनी लिविंग बीइंग क्रिएचर, आइदर दे बिलीव इट और नॉट। आप इसको मानो या ना भी मानो वो आपकी अज्ञानता है, मगर कुदरत अपना काम करेगी। व्हेन यू क्रिएट द कॉज नेचर विल गिव यू द सफरिंग टू यू बिलीव इट और नॉट। कुदरत आपकी मान्यता के आधार से चलता करता नहीं है। हम इसको माने या ना भी माने, मुसलमान लोग कहेंगे कि हम रिबर्थ को नहीं माने, फिर भी होगा। क्रिश्चियन कहते हम कर्म के सिद्धांत को नहीं मानते, फिर भी कम लगेगा, क्योंकि कुदरत का कानून आपकी मान्यता के आधार से नहीं चलता है। इट इज एप्लीकेबल टू एनी लिविंग बीइंग क्रिएचर, आइदर दे बिलीव इट और नॉट। तो कुदरत का कानून सबके लिए एक सरखा है, अलग अलग नहीं है। राम को भी पनिशमेंट हुआ, कृष्ण को भी हुआ, महावीर को भी हुआ, हमको भी होता है, बिकॉज कॉज एंड इफेक्ट। तो ये पूरा लाइफ हमारा डिसाइडेड है, और जो भाव है वो आप डिसाइड करते हो, इनका फल नेक्स्ट बर्थ में आएगा। हमारे ही कर्मों से हम नरक गति में भी जा सकते हैं, हमारे ही कर्मों से हम पशु योनि में जा सकते हैं, हमारे ही कर्म से मनुष्य योनि में आ सकते हैं, और हमारे ही कर्मों से हम देवलोक में भी जा सकते हैं। डिपेंड ऑन अवर कर्म, दिस इज नॉट अवर चॉइस। किसी को ऐसा भाव होता है कि मेरे को नरक गति में जाना है, बट दे हैव टू गो बिकॉज ऑफ कर्म, नॉट बिकॉज ऑफ हिज ओन डिसीजन। हमारा पूरा लाइफ, वर्तमान लाइफ, इट डिपेंड ऑन अवर कर्म, प्रीवियस बर्थ कॉज। तो ऐसे हमारा जीवन चलता है। नाउ द क्वेश्चन इज हु इज कंट्रोलर ऑफ अवर कॉज एंड इफेक्ट। एंड बिफोर मैरिज, तो मैं यही बताता हूं कि जन्म, जीवन और मृत्यु किसके हाथ में है? वो हाथ में है कुदरत के। किसके हाथ में है? कुदरत इज लाइक अ टीचर, यू अंडरस्टैंड मी? टीचर, द रोल ऑफ टीचर, व्हाट एवर एग्जाम, एज पर योर एग्जाम दे गिव द रिजल्ट। एग्जाम भी आपने दिया है, रिजल्ट को आप ही को मिलेगा, मगर रिजल्ट देने वाला कौन है? टीचर है। और यहां कौन है? कुदरत है। कर्म भी हमने किए हैं, कर्म फल भी हमको मिलेगा दूसरे बर्थ में, मगर रिजल्ट कौन देता है? कुदरत, नेचर। बिकॉज वी डोंट नो कि पिछले बर्थ में हमने कौन सा कर्म किया था वो हमको मालूम नहीं है, मगर एवरी मोमेंट दे गिव अस द रिजल्ट, राइट? तो ये कुदरत का कंट्रोल है। किसका कंट्रोल है? द होल यूनिवर्स कंट्रोल एंड गवर्न बाय द नेचर एज पर द लॉ ऑफ नेचर। वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, कुदरत भी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते हैं। आपका कर्म है तभी आपको फल मिलेगा, बिना कर्म नहीं मिलेगा। तो इसी को कहते हैं लॉ ऑफ नेचर। ऐसे ये दुनिया चलती है। नाउ एनीबॉडी हैव अ क्वेश्चन? मैंने आपको बेसिक बता दिया, फंडामेंटल आप समझे। हर इंसान सुख की खोज करता है, क्यों सुख नहीं मिलता है, सच्चा सुख कहाँ है, फिर आत्मा,
रिबर्थ इंडिकार्नेशन जन्म जीवन मृत्यु उनके साथ कर्म और कर्म फल ये सब परिभाषाएं मैंने आपको समझाने की कोशिश किया. नाउ एनीवन हैव एनी क्वेश्चन तो यू आस्क मी. आपने कहा कि भाव हम बदल सकते हैं तो अभी प्रेजेंट के तो बदल सकते हैं पास्ट के भी बदल सकते हैं. एग्जामिनेशन लेने जाते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन पेपर सामने होता है पास्ट में हमने क्या क्या भाव गलत किए हैं वो हमें अभी याद नहीं है तो वो कैसे चेंज कर सकते हैं. याद है तो करेक्शन कर सकते हैं नहीं। याद नहीं है तो नहीं कर सकते हैं. तो मतलब वो अब लिखे गए और अब तो सवाल ही नहीं ना. अगर आपके पास तीन घंटे का पेपर है एग्जाम्पल एक मिनट अगर आपके पास तीन घंटा है आंसर देने के लिए और क्वेश्चन 10 है और आपने 8 लिखा टाइम खत्म हो गया क्या होगा. आप कहेंगे मैं क्या करूंगा भाई धोखा अभी टाइम दो मेरे को. ऐसा नहीं देते ना. टाइम इज ओवर यू हैव टू फिनिश विदिन 3 आवर्स. तो आपको जो कुछ भी करना है वो आप कर सकते हैं इन बिटवीन. हाँ आप वो भी कर सकते हैं मगर इन बिटवीन एक बार आपकी एग्जाम खत्म हो गई फिर आप कुछ नहीं कर सकते. कब खत्म होने वाली है वो अगर मालूम नहीं है तो वो हम स्वीकार करते हैं मगर खत्म होने वाली है वो तो मालूम है राइट और रॉन्ग. इस लाइफ का एंड आने वाला है वो तो सबको मालूम है. कब आने वाला है भले नहीं मालूम है मगर आने वाला है वो तो मालूम है ना. राइट और रॉन्ग वो तो कंपलसरी है ना. उसमें कोई ऑप्शन है पर फिर भी वो याद नहीं रहता है. नहीं रहता है क्योंकि इससे मोह है ना. मोह कई लोगों को हम क्या बोलते हैं उसमें क्रेमेटोरियम क्या बोलते हैं इसको स्मशान ग्रह. कई लोगों को हम स्मशान ग्रह में छोड़ के आए और जला दिया गया हमारी लाइफ में या फिर भी हमको लगता है हम तो नहीं मरेंगे. क्योंकि मोह है ना. सबको अपने के लिए मोह है. हमको जीना है क्या. सबको ये है. सोचने से डरते हैं मगर डरने से वास्तविकता तो चेंज नहीं हो जाएगी ना. जो है वो है. मैं ऐसा नहीं करता हूं कि डरने की जरूरत है. मरना इज अ पार्ट ऑफ लाइफ. ये कोई नई बात नहीं है. जो आदमी का जन्म होता है उनका मृत्यु है ही. इसके प्रति जो हमारे मन में डर का जो भाव आता है कि मैंने थोड़ी जनरेट करा है क्योंकि मैंने मोह करता हूं आपसे. मैंने थोड़ी जनरेट करा है ये तो ऑलरेडी इनबिल्ट आया है मोह मेरे अंदर. पर ये डर भी चलिए मोह ना सही. जो आदमी बिल्कुल मरना चाहता है बिस्तर पे बीमार पड़ा है 40 साल से वो कहता है यार मेरी जिंदगी उठा ले भगवान. मृत्यु से वो भी डरता है. नहीं वो तो जीवन से डरता है. वो कहता है मेरे को मृत्यु ले ले भगवान मेरे को उठा ले ऐसा बोलते हैं. कई लोग जो काफी सफरिंग करते हैं वो ऐसा बोलते हैं कि भगवान मेरे को उठा ले. मृत्यु से डर पैदा किया है कि मैंने ह्यूमन बीइंग थोड़ी जनरेट किया है तो अपने आप से आया है. तो इसके प्रति ऐसा साइकोलॉजी है. ये साइकोलॉजी है और कुछ नहीं. वास्तव में डर नहीं है मगर डर हमने पैदा किया है क्योंकि हमको लगता है कि हमको जीना है मरना नहीं है. मगर मरना वो पार्ट ऑफ लाइफ है और सबके लिए कंपलसरी है या कोई ऑप्शन नहीं है. इट इज मैटर ऑफ टाइम ओनली. तो इस बात को हमको स्वीकार करना पड़ेगा. जैसे बचपन है तो युवानी भी है और बुढ़ापा भी है. हम माने या ना माने जो कंपलसरी पार्ट है उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा. नहीं मानोगे तो भी आने वाला है. तो कहने का मतलब जो डिसाइडेड है उसमें हम क्या कर सकते हैं. तो मैं जो बात बताना चाहता था ये बताना चाहता था कि दिस इज ये बॉडी जो है दिस इज नॉट आवर चॉइस एंड दिस इज नॉट आवर रियल आइडेंटिटी. ये बॉडी नेचर ने गिफ्ट के फॉर्म में दिया है फॉर सफरिंग ऑफ योर प्रीवियस बर्थ कॉज. दिस इज नॉट आवर चॉइस. शरीर न हम है और शरीर को चलाने वाले भी हम नहीं है. ये ज्ञान जानने की जरूरत है. ये नहीं जानोगे तो मोह रहेगा. ये शरीर हम नहीं है और शरीर को चलाने वाले भी हम नहीं है. शरीर दिया भी कुदरत ने हैज पर प्रीवियस बर्थ कॉज. ये आपको इंसान का बॉडी मिलेगा लेडीज का मिलेगा जेंट्स का मिलेगा एनिमल का मिलेगा
नर्क गति का बॉडी मिलेगा, देवलोक का बॉडी मिलेगा, नेचर भी डिसाइडेड एज पर योर एग्जाम। तो सबसे बात बड़ी है कि शरीर जो है वो हम नहीं है, ये नेचर देती है। कौन देती है? नेचर। और क्यों देती है? क्योंकि बॉडी होंगे तभी आप सफरिंग करोगे ना, कर्म की भुगतान कैसे करोगे विदाउट बॉडी। तो मोह उतारने के लिए ये बात समझना जरूरी है कि शरीर हम है नहीं और शरीर को चलाने वाले भी हम नहीं है। हम शरीर से अलग ऐसा शुद्ध आत्मा है, प्योर सोल। और हमारा न जन्म है, न जीवन है, न मृत्यु है। आत्मा का स्वभाव क्या है? दे गिव यू द लाइट ऑल द टाइम्स, दे गिव यू द ओनली लाइट, नथिंग एल्स। इस लाइट का उपयोग आपको क्या करना है डिपेंड ऑन यू। आपको मोह में रहना है या वास्तविकता में रहना है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। मोह का मतलब होता है जो दुनिया में जो इल्यूजन है, इसके आधार से जीना है कि फैक्ट के आधार से जीना है, वो डिपेंड ऑन यू। बट दे गिव यू द लाइट, इस लाइट का उपयोग क्या करना है वो आपके ऊपर डिपेंड है। इस इंडिविजुअल ऑन यू। इस सूर्य नारायण सबको प्रकाश देते हैं, राइट? और प्रकाश की हाजिरी से अगर चोर किसी का पॉकेट काटता है या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को डोनेशन देता है, तो उसके लिए सन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। उनका तो रोल प्रकाश देना है, प्रकाश का उपयोग क्या करना है वो आपके ऊपर डिपेंड है। वो जिम्मेदार? ऐसे यहां सोल भी जिम्मेदार नहीं है, मगर सोल की हाजिरी से ही सफरिंग होता है और सोल की हाजिरी से ही नया कॉज बनता है। सो कॉज एंड इफेक्ट द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रिबर्थ, बर्थ एंड रिबर्थ इन द प्रेजेंस ऑफ सोल। मगर उसमें सोल कुछ करता नहीं है, ऑल द टाइम उनकी प्रेजेंस हो लाइक अ कैटलिस्ट, लाइक अ सन। तो ये दोनों बात पक्की करनी है कि ये बॉडी हम नहीं है, यानी हमारी चॉइस नहीं है, नंबर वन। एंड नंबर टू, बॉडी को चलाने वाले भी हम नहीं हैं। हम उससे टोटली क्या है? सेपरेट है, अलग है। उनका तो एंड होने वाला है, हमारा एंड नहीं होने वाला है। अगर हमारा एंड हो गया तो फिर रीबर्थ कैसे होगा? और अगर हम शरीर होते तो भी रीबर्थ होता? शरीर का तो जला दिया गया, तो रीबर्थ किसका होगा? तो ये समझने की बात है। तो ये स्पिरिचुअल साइंस आपकी सभी प्रकार की कंफ्यूजन को सॉल्व करता है, लॉजिकल सॉल्व करता है। ऐसा नहीं कि रैंडम, चलो मैंने बोल दिया आप मान लो, ऐसा नहीं। मैं आपको कहता हूं कि इफ यू आर डाउट देन यू आस्क मी अ क्वेश्चन, बिकॉज द साइंस इज ऑन अ बेस ऑफ प्रिंसिपल। एंड नाउ आई एक्सप्लेन यू लॉजिकली सो यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली विद द एग्जांपल। तो उसमें कोई डाउट है तो आप प्रश्न कर सकते हैं, या एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन आप कर सकते हैं। प्रश्न करना है? ओके ओके, या प्लीज। हाउ डू वी डिसाइड इन दिस बर्थ? Suppose my aim is to recharge the causes for a good life in the next world. Okay. And it is just a supposition. Okay, okay. For me, because I don't know whether next birth hoga nahi hoga kya hai. To maan ke chalo. What are the parameters? How do I decide ki whether I am charging for good for the next? Charge to dono milega. Okay, dono. Bad bhi or good bhi? No, no, dono. Charge ke diye hai. पैरामीटर्स, पैमाना कौन सा है बताओ मैं आपको। और सिंपल है, वेरी सिंपल है पैरामीटर। किसी को दुख देने की भावना, इंटेंशन, दे गिव यू द अनहैप्पीनेस टू यू इन अ नेक्स्ट बर्थ। और किसी को सुख देने की भावना, दे गिव यू द हैप्पीनेस टू यू इन अ नेक्स्ट बर्थ। ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट द ओनली इंटेंशन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्शन। अब सवाल यह है कि इंटेंशन जो है, मुझे पता है कि मैं आपसे जेब से 100 रुपए निकाल लूंगा, समझ गया है, तो आपको दुख हो जाएगा, ओके, पीड़ा होगी,
ओके वो रियल में भाव का दुख होगा नहीं होगा मैं पता नहीं है डिफरेंट स्टोरी ये इल्यूजन है आपको कि ये दुख होगा मेरे को ओके मैं तो ये कहता हूं ओके और ये चोरी का है तो मेरा तो एक्शन ये हुआ कि मैं ये चुटिया छीन लूं आपसे और मैं जाकर भगवान के मंदिर में दे दूं या गरीबों में दे दूं या एंजॉय करूं ये चोरी का है अब इस पे आपको दुख हो रहा है तो मैंने तो दुख ले दिया आपको मेरी इंटेंशन तो दुख देने की नहीं बट ये है कि उनका फायदा हो जाए आपके पास सारा चोरी का है और उनका फायदा हो जाए तो मेरी इंटेंशन तो उनका फायदा करना ही है उनका नुकसान तो हुआ ना आपका हुआ हां वही तो मैं कहता हूं वही तो मैं कहा ना इसीलिए मैंने कहा कि दो बात बराबर ध्यान से सुनो जहां तक ये शरीर मैं हूं और शरीर को चलाने वाला मैं हूं ये बिलीफ जहां तक आपके पास है वहां तक ये बॉडी के माध्यम से जो कुछ भी होता है उनके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो बिकॉज यू आर ओनर एंड गवर्न योर बॉडी आप समझे क्या कहता हूं मैंने जी जब आप शरीर के मालिक हो और शरीर को चलाने वाले हो तब आप एवरी एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो बिकॉज ऑफ योर अज्ञान समझ में आया और अगर आपके पास सही ज्ञान है कि आई एम नॉट बॉडी एंड आई एम नॉट कंट्रोलर ऑफ बॉडी आई एम टोटली सेपरेट देन द बॉडी आई एम अ प्योर सोल अगर इस स्थिति में आप रहते हो इन एनी सिचुएशन सो यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल of any circumstances. If you are killed thousands of people, still do, you are not responsible. Because you are totally separate than body. That's it. वो मैंने बताया मैंने मैंने एग्जांपल पहले दिया जो आप चोरी कर ही रहे कोई एक आदमी चोरी कर ही रहा है एंड इज कंटिन्यूइंग और मैं रोक सकता हूं उसको और रोकने में उसको पीड़ा होगी वही मैं कहता हूँ कि सबसे पहली बात यह है कि क्या आपके पास एक्शन करने की स्वतंत्रता है तो पहले हमने बता दिया था नहीं टोटली नहीं तो जो हमारी जो भी बात करेंगे उन्हें बेस ऑफ प्रिंसिपल करेंगे फिर गोल गोल नहीं करेंगे टोटली नहीं ऐसा गोल करने चाह नहीं टोटली नहीं है टोटल नहीं है फिर क्या बात है फिर आप कहोगे मैं उसको दूं या ना दूं कोशिश आई एग्री विथ यू कोशिश पर स्वतंत्रता नहीं है वो तो प्रिंसिपल है ही कोशिश करना मैं मना नहीं करता मगर जो होने वाला है उसी के मुताबिक आपकी कोशिश होगी आप नहीं मानोगे कि मैं कोशिश प्रयास कर रहा हूं आई विल गिव यू एग्जाम्पल जैसे आप स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं तो जिस जो आपको नुकसान होने वाला है जिस ट्रांजेक्शन से तो कुदरत आपको वही बताएंगे कि ये स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट करो और आप करोगे भी उस समय तो आपको ऐसा लगेगा प्रॉफिट होगा मगर आपको लॉस होना है इसीलिए करवाती है बिकॉज ऑफ योर कर्म यू वन नो चॉइस और जब आपको प्रॉफिट होगा होने वाला है जो ट्रांजेक्शन से तो कोई बताएंगे आपको फ्रेंड कि ये स्टॉक मार्केट में ये स्टॉक ले लो बोला मेरे को तो मालूम नहीं है पर ले लो ना और आप ले लोगे आपको प्रॉफिट होगा तो ऐसा नहीं है कि आपका बुद्धि है इसीलिए प्रॉफिट हुआ बिकॉज ऑफ कर्म आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस का जो नुकसान होगा वो मेरे कर्मों से होगा अब तो वो भी लिखा हुआ है इसका मतलब इसका नुकसान है वो उसके कर्मों से होता है और आप जो करते हैं वो आपके कर्मों से करते हैं बोथ आर द सेपरेट थिंग बट यू आर को रिलेटेड विद दिस एक्शन आई शुड ट्राई दैट्स इट प्रयास कर सकते हैं मैं उसमें मना नहीं करता हूँ लेकिन उसमें कर्म तो बन जाएंगे किसमें जो प्रयास करेंगे उसको तो दुख हो जाएगा मैंने पहले कहा ना कि जहां तक आप मन वचन काया के मालिक हो और चलाने वाले हो तब तक आप सभी कर्मों के लिए या क्रिया के लिए जिम्मेदार हो वो पहले भी मैंने कहा मगर आप जब चलाने वाले नहीं है मन वचन काया के मालिक नहीं है तो फिर कुछ भी होता है उनके लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो मैंने सिंपल बता दिया वो देखिए बात ये है ना कि पैरामीटर्स हमारे में फर्क है अगर मैं किसी मुसलमान से उसी बीवी छीन लू की भाई तेरे को दो शादी थी पर चार नहीं अलाउड है तेरे को एक ही कर सकते हो आप और जो तीसरी को आप अलाउड ही नहीं है सेकंड को तो उसको तो उसमें दुख हो जाएगा तो वही पैरामीटर्स क्या है वही मैंने बताया पैरामीटर्स मैंने सिंपल ही बताया कि आपके कोई भी इंटेंशन से सामने वाले व्यक्ति को दुख होता है तो उससे आपका कर्म पाप का बनेगा और आपके कोई भी इंटेंशन से उसको सुख होता है उसे पुण्य बनेगा मैं इंटेंशन की बात करता हूँ
एक्शन कुछ भी क्यों ना हो, एक्शन के पीछे आपका इंटेंशन क्या है, दे क्रिएट द न्यू कॉज फॉर द नेक्स्ट पर्सन। मगर आप ये बात समझ के बोलते हो उनके रोकने की स्वतंत्रता आपके पास नहीं है। मैंने क्या कहा कि आपने रोक दिया वो एक्शन के फॉर्म में करेक्ट है, मगर आपके पास रोकने की स्वतंत्रता नहीं है, ये ज्ञान है ना आपके पास? आप तो फिर वही कहा तो जिम्मेदार हो आप। तो मतलब मेरे गलत से सिंपल ही बात है ना, गलत देन यू आर डूअर देन यू आर रिस्पांसिबल। बट इज इट रॉन्ग और राइट? अभी आप जो कर रहे हैं इससे उसको दुख हुआ, मतलब आप जिम्मेदार हैं। उसकी पत्नी जो होने वाली पत्नी थी उसको तो सुख हो गया ना, वो आप मानते हैं ना। जब लोग एक पत्नी को ही सेटिस्फाई नहीं कर सकते तो तीन को कैसे करेंगे? यू थिंक ऐसा नहीं, आपने तो रैंडम सोच लिया कि किसी शादी से सुख होगा, वो आपने मान लिया, ऐसा है नहीं। मन वचन एक्शन हमारे हाथ में नहीं, नहीं है करेक्ट, बट यू आर सेइंग इन दिस लाइफ व्हाटएवर यू डू यू आर रिस्पांसिबल। Because you of to be able to be like what Ram has done or somebody has done, you have to have a super soul. You can kill thousands of people. Okay. What is the president of the United States doing? That's the kind of thing I'm understanding. Okay. So okay. I'm trying to understand. You are saying nothing is in control, but you are responsible. Mm. So I'm trying to do something. You are saying no, that is not right. So how do I reach super soul so that I can kill everybody and reach moksha? मैंने इस सत्संग में लाइन ऑफ डिमार्केशन बता दिया, ये लाइन ऑफ डिमार्केशन मैंने बता दिया कि आप एक मिनट कि आप जहाँ तक मन वचन काया के मालिक हो और मन वचन काया को चलाने वाले हो, वहाँ तक मन वचन काया से जो कुछ भी होता है इसके लिए आप टुडे भी रिस्पॉन्सिबल हो, बिकॉज यू आर ओनर and doer. Really speaking, you are not owner of your body and you cannot control your body too. But ये ज्ञान नहीं है तो आप responsible है, ये ज्ञान है तो उसका मतलब ये है आप body से separate हो। अगर मैं body नहीं हूँ और body का चलाने वाला नहीं हूँ, it means I am separate than the body. So अगर ये state मेरा है inside में तो मैं responsible नहीं हूँ, body कुछ भी करती है तो फिर ये उनका स्टेट था, ये सुपर पावर नहीं था। देवा सुपर पावर विजन टू सेपरेट ऑल रिलेटिविटी ऑल टेम्पररी पार्ट्स, दे ऑलवेज लिव इन अ परमानेंट प्लेस, सो दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेम्पररी पार्ट्स बिकॉज ऑलरेडी दिस पार्ट इज डिसाइडेड, दिस पार्ट इज अ रिजल्ट। रिजल्ट का रिजल्ट नहीं आएगा, मगर रिजल्ट का रिजल्ट के साथ आप जुड़ जाओगे तो नई एग्जाम वैसे ही बनेगी, क्योंकि यू आर डूअर, मैंने किया देन यू आर रिस्पॉन्सिबल, ये मैं हूं देन यू आर रिस्पॉन्सिबल। आई विल गिव वन एग्जाम्पल टू क्लेरिफाई दिस थिंग, ओके? लाइक यू आर ओनर ऑफ दिस हाउस, ओके? एंड वन ऑफ द 15 साल का एक लड़का दोपहर को आता है आफ्टरनून, उन्होंने पत्थर लेके एक ग्लास शीशा तोड़ दिया, आपने उसको देखा भी सही, आपको क्या होगा? दूसरा पत्थर दे दो। गांधी वो तो बोलना आसान है ना। No, because I don't know, because you said that's wrong. You said दूसरा, you said no, that's not what you're going to do. ना, मेरा कहने का मतलब है कि उनको जब उन्होंने ग्लास को तोड़ दिया आपके सामने ही और आपने उसको देखा तो आपको उनको देख के क्या फीलिंग होगी? मैं ये कहना चाहता हूँ आपको तो गुस्सा आएगा ना उसके ऊपर, बराबर है कि नहीं? नॉर्मल की बात करता हूँ, ऐसा नहीं स्वीकार करते हैं ना, हम ड्राइविंग करते हैं तो कोई टकरा दे तो भी नहीं आता है, नहीं मानते हैं हम, सीधा पुलिस को बुलाते हैं, उनको छोड़ते नहीं है, उसको छोड़ने के लायक होते हुए भी, क्योंकि हमको इंश्योरेंस ड्यू करना है, आप समझे ना, ऐसे छोड़ते नहीं हम, पुलिस को भी बुलाते, सब कुछ करते जो फॉर्मेलिटी करना है। एनीवे,
तो कहने का मतलब ये बच्चे ने शीशा तोड़ दिया, हमने देखा इसको, तो हम उसके लिए कम से कम कुछ बोलेंगे या ना बोलेंगे बाहर से वो अलग बात है, मगर उनके लिए कुछ बैड फीलिंग जरूर होगी मिनिमम. ओके ओके. एंड एंड आफ्टर वन मंथ यू सेल दिस हाउस, आपने मकान को बेच दिया एंड यू गो टू द नेक्स्ट डोर, आपने बगल के मकान को बाय कर लिया, वो मकान में आप रहने के लिए भी चले गए. थोड़े समय के बाद वही बच्चा आफ्टर वन मंथ वो वापिस आया, उन्होंने यही मकान का दूसरा ग्लास तोड़ दिया, आपने उसी मकान से उसको बच्चे को देखा, आपको क्या होगा? लिसन लिसन, मकान इज द सेम, बच्चा भी सेम है, आप भी सेम है, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है? वो भाव नहीं आएंगे जो यहाँ आए थे. वही तो, वो ऐसा मत बोलो, मालिक ही भाव चला गया. टेल लाइक दैट वे, टाइटल ऑफ और ओनरशिप इज फिनिश. तो आप ब्लेम इन क्लेम नहीं करोगे, सेम थिंग. अगर उसके लिए ओनरशिप डुअरशिप चली गई, देन यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल. आप समझे ना, इसको छोड़ना नहीं है, ओनरशिप निकालनी है, डुअरशिप निकालनी है, ये दोनों रॉन्ग बिलीफ है. शरीर को छोड़ना नहीं है, मगर मैं शरीर हूं और मैं चलाने वाला हूं, ये अज्ञान को निकालना पड़ेगा, देन आफ्टर यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल. ये अज्ञान है और अज्ञान से ही तो राग द्वेष होते हैं, करना नहीं है, हो जाता है. जहां तक अज्ञान रहेगा वहां तक कर्म बंध होते ही रहेंगे, राग या द्वेष होते ही रहेंगे. तो इसके लिए ज्ञान चाहिए. ज्ञान का मतलब फैक्ट, व्हाट इज द फैक्ट? ज्ञान का मतलब रिलीजियस नहीं थिंक, ज्ञान मतलब रिलीजियस नहीं, ज्ञान मतलब साइंस, स्पिरिचुअल साइंस, जो सबके लिए एक होता है, आइदर दे बिलीव इट और नॉट. और आप रिलीजन की बात करो तो समप के लिए है, नॉट फॉर ऑल. एम आई राइट और रॉन्ग? जो रिलीजन होता है फॉर समप होता है, नॉट फॉर ऑल. बट द स्पिरिचुअल साइंस एंड स्पिरिचुअल साइंस इज डिपेंड ऑन लॉ ऑफ नेचर. सो लॉ ऑफ नेचर इज एप्लीकेबल टू एनी लिविंग क्रिएचर, आइदर दे बिलीव इट और नॉट. तो ये समझना है हमको, अगर हमको रियल फ्रीडम रियलाइज करना है, रियल फ्रीडम, नॉट रिलेटिव फ्रीडम, रियल फ्रीडम रियलाइज करना है, तो ये विज्ञान को समझना पड़ेगा, दृष्टि से अप्लाई करना पड़ेगा एंड रियलाइज भी करना पड़ेगा. देन यू फील द रियल फ्रीडम. रियल फ्रीडम क्या है? शरीर से मुक्त रहना, वो रियल फ्रीडम है, और शरीर के माध्यम से अनुभव करना, वो रिलेटिव फ्रीडम है. रिलेटिव मतलब डिपेंड ऑन सर्कमस्टेंसेस. रियल मीन्स नॉट डिपेंड ऑन सर्कमस्टेंसेस, डिपेंड ऑन योर विजन. आपके पास दृष्टि क्या है, इस प्रकार से आपको ये सेपरेशन का एक्सपीरियंस होगा. तो राम को वनवास हुआ, उनको टेंशन नहीं हुआ कि अभी क्या होगा. सीता भी पे चली गई, उन्होंने देखा नहीं कि मेरे को यहाँ खाना पीना रहना, बाथरूम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कभी नहीं सोचा. ब्लाइंडली दे फॉलो, तो यानी ये नहीं कि फॉलो किया हमने, यही उनका कर्म था. वो ये समझते थे. हाँ, इस बार अब 100% ये जो हो रहा है, तभी तो ब्लेम एंड क्लेम नहीं हुआ ना किसी के प्रति. हाँ, तभी किसी के प्रति द्वेष नहीं हुआ ना, बिकॉज ऑफ दिस रीजन. ये कोई चमत्कार नहीं है, इट रिक्वायर्ड प्रॉपर विजन. अगर आपके पास विजन सही है तो आप किसी के प्रति ब्लेम एंड क्लेम नहीं करेंगे. ओके, व्हाट एवर इट्स हैपन, इट्स हैपन. हालांकि राम की कोई गलती नहीं थी, जब इसको वनवास जाना पड़ा तब उसकी प्रेजेंट में कोई गलती नहीं थी, फिर भी उन्होंने स्वीकार कर लिया, क्योंकि ही नोस कि ये बिना कर्म कुछ होता ही नहीं है, और जो कई कई है वो तो निमित्त है, कर्म तो उनका है. अगर मेरे को भुगतान करना, भुगतान करने का संजोग है, तो कोई तो निमित्त बनना चाहिए ना. अगर मेरा पाप के पाप का उदय है, तो कोई तो पॉकेट काटने वाला चाहिए ना, कोई नुकसान करने वाला चाहिए ना, तो मैं कैसे सफरिंग करूंगा. तो वो तो निमित्त है, मगर कर्म किसका है? मेरा है. और लॉ ऑफ नेचर की बात करता हूं, तो जो मैंने रियलाइज किया है वो मैं एज इट इज एक्सप्लेन करता हूं. और लोग कहते हैं कि स्वामी जी, अगर आपकी बात कोई न स्वीकारे तो क्या होगा आपको? एग्जाम्पल, अगर somebody did not accept it your talk, मैंने बोला ये कोई नई बात है. जब राम के समय राम को लोगों ने स्वीकार नहीं किया है, am I right or wrong? जब कृष्ण के समय कृष्ण को लोगों ने स्वीकार नहीं किया है, महावीर के समय महावीर को लोगों ने स्वीकार नहीं किया है, इट इज नॉट अ न्यू थिंग.
It is a common thing. जो स्वीकार करते हैं वो उनके लिए करते हैं, नहीं करते वो भी उनके लिए करते हैं, ये मेरा क्वेश्चन नहीं है। अगर कोई राम को माने या ना माने, राम को क्या फर्क होगा? तो क्या फर्क होगा? इफ आई हैव एक्सपीरियंस एंड आई एक्सप्रेस माय एक्सपीरियंस एंड समवन दे नो एक्सेप्ट इट, इट इज नॉट माय प्रॉब्लम। आई ट्राई माय लेवल बेस्ट ऑफ कोर्स, फिर भी वो नहीं समझे, ऐसा हो सकता है? दादा भगवान ने खुद ने समझाया, और कई लोग ऐसे हैं जो नहीं समझ पाए। ज्ञान लेने के बाद की बात करता हूं, तो ये कोई नई बात नहीं है, इट इज नॉट अ न्यू थिंग्स। मेन बात ये है कि विज्ञान को प्रेजेंट करने का जो तरीका है वो इंडिविजुअल होना चाहिए, नॉट इन अ मास ऑफ पब्लिक। यू अंडरस्टैंड मी? मान ले रहा हूं, सोचूंगा इस बारे में, समझ नहीं आता। बताओ मैं आपको, अगर स्पिरिचुअल साइंस आपको प्रेजेंट करना है तो वन टू वन होना चाहिए, यानी सामने वाले व्यक्ति का उनको प्रेजेंट करने का मौका मिलना चाहिए उनकी बात को, तभी मैं उनको समझा सकता हूं। जब मैं बोलता रहूं आप सुनते रहोगे तो उसका मतलब क्या हुआ? इट्स अ लेक्चर। आप समझते हैं या ना समझते हैं, आपको सुनना है। ऐसा नहीं होना चाहिए स्पिरिचुअल पाथ में, रिलीजियस पाथ में ऐसा हो सकता है, प्रवचन करना है। यहां प्रवचन नहीं है, मैं बार बार लोग कहता हूं कि यू कैन आस्क मी क्वेश्चन एनी काइंड ऑफ, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन एट ऑल कि आपको क्या करना है, पसंद नहीं, आपकी मर्जी वो करो, आई एम रेडी टू गिव यू आंसर। आप समझे ना? तो सबको मौका मिलना चाहिए, और मौका तब मिलेगा जब पर्सन दे हैव अ लिमिटेड। अगर यहाँ 5,000 लोग आ जाएंगे तो क्या करेंगे? इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी, और मैं सबको जान भी नहीं सकता हूँ क्या उनका एक्सप्रेशन क्या है। क्वेश्चन है, साइंटिफिक लैंग्वेज के हिसाब से तो एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, राइट? अच्छा, उसमें मैं ह्यूमन बीइंग पे अप्लाई करूंगा तो ये कि अगर कोई मुझे दुख देगा तो उसको भी दुख मिलेगा, बिकॉज उसने जो एक्शन किया है, मगर रिएक्शन वो मैं ना दूं अलग बात है, वो ये दे देंगे। वो ध्यान रखो आप, ये कब होगा? व्हेन यू आर ओनर ऑफ योर बॉडी एंड यू आर डूअर ऑफ योर बॉडी। अगर आप शरीर के मालिक हैं और शरीर को चलाने वाले हैं तब आप रिस्पॉन्सिबल हो फॉर एवरी एक्शन। हमने कुछ नहीं किया, इन्होंने किया, मेरे को दुख दे दिया। उन्होंने दुख दिया आपको, मगर आपके पास नॉलेज क्या है? आराम से बैठ गया, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास नॉलेज क्या है? नहीं, आई एम बॉडी एंड आई हैव कंट्रोल ऑफ माय बॉडी, ये दिमाग में होता है, बोलने की जरूरत नहीं है। कर लिया कि ठीक है, क्या वो आपने आपने व्यवहारिक दृष्टिकोण से उन संजोगों को एक्सेप्ट कर लिया, इट इज गुड। मगर ये एक्सेप्ट करना वो भी क्या होता है, इट्स अ वन काइंड ऑफ ईगो विदाउट साइंटिफिक वे। तो ये क्या होगा, जब वाइफ ने गुस्सा कर दिया, आपने लेट गो कर दिया, दूसरी बार गुस्सा कर दिया, लेट गो कर दिया, तीसरी बार कर दिया, लेट गो कर दिया, फिर बहुत बार वो करेंगे ना, फिर आपकी स्प्रिंग क्या होगी? बिकॉज ऑफ दिस इज नॉट अ साइंटिफिक सॉल्यूशन। ये स्प्रिंग क्या होती है? फिर क्या होगी? That's it. So it requires a scientific solution, not theoretical. जो आपने कहा मैं स्वीकार, that is not a scientific answer. ये आपकी सोचने की या सहन शक्ति की बात है। Yes, that's it. So it requires a scientific solution. It is for permanent. चाहे वो 1,000 बार झूठ बोले तो अभी आप स्वीकार करोगे, because solution is scientific. ये permanent है solution, तभी आप उसके अंदर fight कर सकते हैं for the long time. जब आपके पास temporary solution है तो आप उसमें सहज नहीं रह सकते। हर बात के अंदर हमको परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, हम नहीं कि हम इसको सहन कर ले। और ज्ञानी पुरुष कहते थे कि सहन करने की जरूरत नहीं है, समाधान करो। क्या बताया? समाधान, या डोंट यू, वो क्या कहते हैं हर संजोग में कि आप डोंट सी द लॉ प्लीज सेटल, डोंट सी द लॉ, हर जगह हर संजोग में कानून को मत देखो, आपको ये करना चाहिए वो करना चाहिए वो मत देखो, ट्राई टू सेटल, समाधान करो, कायदा कानून मत बताओ। आप समझे ना? घर में वाइफ बीमार है तो काम करना पड़ेगा, आप बीमार है तो वाइफ को डबल काम करना पड़ेगा, घर का भी काम करना पड़ेगा, आपको भी संभालना पड़ेगा। ये ड्यू टू द सर्कमस्टेंसेस है, क्या है इसमें काम नहीं होना चाहिए कि दिस इज डिवीजन, ये आपका काम है मेरा काम, ऐसा नहीं है। ड्यू टू द सर्कमस्टेंसेस यू हैव टू एडजस्ट ईच अदर, दैट्स इट। तो हर बात के अंदर सॉल्यूशन चाहिए, क्या चाहिए? सॉल्यूशन,
अगर कोई व्यक्ति हमारे जीवन में ऐसी आती है जो कभी एडजस्ट होने के लिए प्रयास ही नहीं करती है, क्या बताया, प्रयास नहीं करती है, उसके साथ भी हमको एडजस्ट होना है। क्यों? क्योंकि हमको वो क्यों मिले? बिकॉज ऑफ अवर प्रीवियस बार्न कॉज। एक भाई हमारे पास सत्संग में आए थे, उन्होंने क्वेश्चन किया कि स्वामी जी, हम दोनों ने दादा भगवान के पास ज्ञान लिया है, हम दोनों फाइव आज्ञास को पालन करते हैं, उनकी उनका जो ज्ञान है उसको हम फॉलो करते हैं, मगर ज़्यादातर लेडीज लोग कहते थे कि संभावी निकाल, अथरामन टाड़ो, एडजस्ट एवरेवेयर, भोगवे तेने भूल, ये सब हमको ही समझना है, वो तो समझते नहीं है। वॉट वी कैन डू? तो मैंने कहा देखो, यहाँ कोई कंप्लेन क्वेश्चन की बात नहीं है, अगर आपको मुक्ति पाना है यू फॉलो द लॉ, नहीं पाना है तो यू फॉलो डोंट फॉलो द लॉ, दैट्स इट, इट इज नॉट मैटर ऑफ कंप्लेन, ये कंप्लेन की बात नहीं है, ये सहनशीलता की बात नहीं है, आपको आपको ये लॉ ऑफ नेचर को अप्लाई करना है कि नहीं करना है, दैट्स इट, इट्स अप टू यू। व्यक्ति को देखना नहीं है आपको कि क्या कर रहा है और कितनी बार कर रहा है, वो आपको देखने की जरूरत नहीं है। जहां तक आपका कर्म का हिसाब होगा पनिशमेंट मिलती ही रहेगी, चाहे एक व्यक्ति से चाहे अनेक व्यक्ति से। अगर आपने ये पनिशमेंट को विलिंगली एक्सेप्ट नहीं किया, लॉ ऑफ नेचर के मुताबिक एक्सेप्ट नहीं किया, एंड यू कंप्लेन एंड क्वेश्चन अबाउट योर वाइफ लाइक एग्जाम्पल, देन द सेम वाइफ कैरी फॉरवर्ड इन नेक्स्ट बर्थ बिकॉज योर कॉन्ट्रास्ट इज कंटिन्यूअस। इफ यू वॉन्ट टू क्लोज द कॉन्ट्रास्ट यू एक्सेप्ट ऑल काइंड ऑफ सर्कमस्टांसिस एज इट इज, देन कॉन्ट्रास्ट इज क्लोज। अभी आप के मन में प्रश्न होंगे, चलो मैं सेटल कर दूं, वो नहीं करे तो वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आप समझे? यहां क्लियर करना है, सामने वाला भी करे कि नहीं वो उनका देखना है, वो हमको नहीं देखना है, दैट्स इट, दैट इज नॉट अवर लुकआउट। राम मोक्ष में गए, सीता भी यहां है, क्या करना है? तो इट्स अ इंडिविजुअल मैटर, ये मुक्ति का मार्ग रिलेशन के बेस पर नहीं है, इट्स अ टोटली इंडिविजुअल। हमको जाना है तो हमको लॉ ऑफ नेचर को स्वीकार करना पड़ेगा, फिर व्यक्ति सामने वाले कोई भी क्यों ना है और एक ही प्रकार की गलती अनेक बार भी क्यों ना करे, मगर लॉ ऑफ नेचर हर वक्त वही रहेगा जो वास्तव में है, उसमें कभी परिवर्तन नहीं होना चाहिए हमारी दृष्टि में से। और इसको कहते हैं समभाव से निकाल करो, समभाव, समभाव का मतलब होता है बैलेंस विजन, नॉट बैलेंस एक्शन। अंदर कोई भाव आपको आपका बिगड़ना नहीं चाहिए, नो राग एंड नो द्वेष। स्वामी जी, दृष्टि, दृष्टि के बारे में कुछ और? दृष्टि का मतलब होता है व्हेन यू आर लिविंग इन अ सोसाइटी, उस समय आपका विजन क्या है उसको दृष्टि बोलते हैं। आई विल गिव यू एग्जांपल, जैसे राम को वनवास मिला और उसमें निमित्त कई कई थी, तो उस समय भी राम ने कई कई को दोषित नहीं देखा, ये राम की दृष्टि थी, राइट और रॉन्ग? और हम जब भी रामायण सुनते हैं यही प्रसंग आता है तो हम कई कई को ही दोषित देखते हैं, ये हमारी दृष्टि है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। दृष्टि का मतलब होता है हमारी नजरिया क्या है, आप समझे ना? तो कोई भी संजोग है उसमें हमारी हमारा विजन क्या है उसके उसी के मुताबिक हमारा नया कर्म चार्ज होता है, एक्शन के मुताबिक नहीं, एक्शन के ऊपर हमारा विजन क्या है, व्हाट इज द, ये हमारा इंटेंशन क्या है, हमारा भाव क्या है, इससे हमारा नया कर्म बनता है, क्रिया से नहीं बनता है, क्रिया से कर्म बंद होते नहीं है, क्रिया इटसेल्फ रिजल्ट ऑफ योर प्रीवियस वर्क। तो कर्म फल का कर्म फल नहीं आएगा, मगर कर्म फल के समय आपका एग्जाम क्या है उसी के मुताबिक नया फल आएगा। तो आज नहीं तो कल आपको दिस यूनिवर्सल ट्रू साइंस यू हैव टू एक्सेप्ट इट, फॉलो इट एंड रियलाइज इट। ये साइंस का कोई क्रिएटर नहीं होता है, क्या बताया मैंने, नोबडी कैन क्रिएट द यूनिवर्सल लॉ, बट एनी वन कैन रियलाइज द लॉ ऑफ नेचर। एंड जो लोग
ये कुदरती कानून को रियलाइज करते हैं, इसको अनुभवी ज्ञानी कहते हैं, क्योंकि चमत्कार नहीं है। तो कुदरत के कानून को कोई नहीं बना सकते, राम कृष्ण माया भी उसको नहीं बना सकते हैं, दे हैव टू सफर। मगर इस कानून को वो जान के हर व्यक्तियों को निर्दोष दे सकते हैं, कोई भी चीज के ऊपर मालिकी भाव नहीं करते हैं, नो डूअरशिप नो ओनरशिप। इसीलिए राग द्वेष बनते नहीं है। राग द्वेष बनने का कारण कर्तापन और मालिकीपन है। अगर आप मालिक नहीं है, अगर आप डूअर नहीं है, तो राग द्वेष नहीं बनेंगे। जो मैंने आपको एग्जाम्पल पहले दिया, मकान का एग्जाम्पल दिया, मैं और एग्जाम्पल देना चाहता हूँ आप सबको, ताकि ये बात समझने में तो और आसानी हो जाए। तो बिल्कुल यहां अटेंशन रखना, जो चीज परमानेंट है उसकी वैल्यू वन है, वन, और जो चीज टेम्पररी है उसकी वैल्यू जीरो है। तो हम यहां अभी हम एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं, तो आत्मा की वैल्यू क्या है, बॉडी की वैल्यू जीरो, रिलेशन की वैल्यू जीरो, एसेट्स की वैल्यू जीरो, डिग्री की वैल्यू जीरो, और जो कुछ भी आपके पास है उनकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। मगर आगे वन है, उसके बाद जीरो, मतलब टेन, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैक्स, टेन लैक्स एंड करोड़, ओके, बिकॉज ऑफ वन। जब ये वन निकल जाता है तो जीरो का जीरो ही, और हम पूरी लाइफ जीरो के लिए ही फाइट करते हैं। नहीं समझ में आया? समझ आया? नहीं समझ में आया? जो जीरो है उसके लिए फाइट करते हैं, एंड वी क्रिएट द न्यू जीरो फॉर द नेक्स्ट बर्थ, राइट और रॉन्ग, वी क्रिएट द न्यू जीरो विद राग एंड द्वेष फॉर द नेक्स्ट बर्थ। यही तो फुलिसनेस है हमारी, यही तो मूर्खता है, वी डोंट नो द फैक्ट। तो फैक्ट जानने की जरूरत है, समझ में आया ना आपको? तो इसीलिए ये साइंस है, कैसे भी करके आत्मसात कर लो। आत्मसात का मतलब होता है पहले आप पूरा समझ लो, उसके बाद स्लोली स्लोली या स्लोली स्लोली यू अप्लाई इन योर लाइफ थ्रू योर विजन, नॉट थ्रू योर स्पीच और एक्शन, एंड स्लोली स्लोली यू कैन रियलाइज टू, अनुभव करो आप। और ये साइंस ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति उसको अप्लाई करके एक्सपीरियंस कर सकता है, किसी की मोनोपोली नहीं है, and it's not require any kind of other rituals too। ये science को अनुभव करने के लिए और कोई additional rituals की जरूरत नहीं है, मगर आपका आपके vision में science की clarity हर समय होनी चाहिए। That's it। अभी आपको जाना है, जा सकते please। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। Yeah, anyone have a question? No, पूछो बादू नहीं। गुजराती में पूछो, it's okay, no? Yeah, please, please. मेरे को गुस्से के ऊपर पूछना है। Yeah. बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। हाँ हाँ। इसको कैसे? मेरे को पता भी है कि नहीं गुस्सा करना, but फिर भी आ जाता है। तो how I can? आपका प्रश्न ये है कि हम अपने जीवन में जो गुस्सा करते हैं तो हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकें, या हम इसको कैसे करेक्शन कर सकते हैं? मैं तो पता है कि नहीं गुस्सा करना चाहिए। आपके पास नॉलेज है गुस्सा नहीं करना चाहिए, फिर भी गुस्सा होता है, तो उसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? दैट इज द क्वेश्चन, राइट? तो मैं आपको आंसर देता हूं कि कोई भी प्रकार की आपके पास वीकनेस है, फिजिकली कहो या स्पीच वाइज कहो, कोई भी प्रकार की आपके अंदर जो वीकनेस है, एनी काइंड ऑफ, चाहे गुस्सा है या और कोई बैड हैबिट है, सभी प्रकार की वीकनेस का एक ही स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। वीकनेस को वीकनेस के रूप में स्वीकार करो कि दिस इज अ वीकनेस, दिस इज नॉट माय पावर। मैं गुस्सा करता हूँ, ये मेरी वीकनेस है, ये मेरा पावर नहीं है। फर्स्ट है। सेकेंड स्टेप इज, जो वीकनेस को वीकनेस के रूप में एक्सेप्ट किया है, वो जब भी प्रेजेंट हुए तो उनके लिए क्षमा मांगो कि ऐसी वीकनेस के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। यू अंडरस्टैंड? इन द थर्ड एंड लास्ट, जो भी
वीकनेस के लिए मैंने क्षमा मांगी है, ऐसी गलतियां मैं बार बार नहीं करूं, ऐसी परमात्मा मेरे को शक्ति प्रदान करें। ये कॉमन है कोई भी प्रकार की वीकनेस के लिए, एनी काइंड ऑफ योर वीकनेस इन साइड यू इन योर नेचर, यू हैव टू फॉलो द सेम प्रोसीजर। गलती को गलती के रूप में स्वीकार करो, गलती के लिए क्षमा मांगो, और मैं गलतियां ऐसी बार बार नहीं करूं, ऐसी परमात्मा मेरे को शक्ति प्रदान करो। दैट्स इट। यू हैव एनी कंफ्यूजन? ओके। कि आपका प्रश्न ये है कि सामने वाली व्यक्ति हमारे साथ जो कुछ बिहेव करती है, इट इज नॉट अ नॉर्मल बट एबनॉर्मल, तो इसको कहाँ तक हमको स्वीकार करना चाहिए या तो फेस करना चाहिए? अप टू द विच लिमिट? दैट्स योर क्वेश्चन, राइट? तो कहने का मतलब ये है कि पहली बात तो ये है कि हर व्यक्ति के साथ डील करते समय हमको सहन तो नहीं करना है, नॉट अ 1% टू, मगर समाधान जरूर करना है, और फिर हमारे लिए, उनके लिए नहीं। आप समझे? पहले ये बिल्कुल क्लियर कर लो, हमको सहन नहीं करना है, समाधान करना है, मतलब सॉल्यूशन लाना है। तो सॉल्यूशन क्या लाना है? हमको जो व्यक्ति मिलती है जो हमारे साथ बैड बिहेव करती है, एग्जांपल, तो वो कितने भी बार करेंगे उसका मतलब ये नहीं कि उनके पास फ्रीडम है वो करने की। 100 बार भी गलती करेगा तो भी उनके पास वो गलती करने की फ्रीडम नहीं है। इट्स अ लॉ ऑफ नेचर। हम आई एम टॉकिंग अबाउट लॉ ऑफ नेचर। यहाँ ये प्रश्न नहीं है कि ये आदमी कितनी बार गलती करता है, सोच समझ के करता है, जान बूझ करता है, ऐसे सोचने की जरूरत नहीं है। अगर ये सोचोगे तो यू डोंट नो अबाउट द लॉ ऑफ नेचर, सो यू पुट इन अ कन्फ्यूजन एंड दे क्रिएट द सो मेनी पजल इन योर लाइफ। तो इट्स रिक्वायर द साइंटिफिक सॉल्यूशन, उसमें साइंटिफिक सॉल्यूशन चाहिए। तो पहले कोई भी व्यक्ति मेरे को परेशान करती है तो उनके पास मेरे को परेशान करने की स्वतंत्रता है? नहीं है। अभी एक बार करें या 100 बार करें, सब समय प्रिंसिपल तो एक ही है ना, कि अलग अलग है, एक ही है। हम नहीं स्वीकार करते बिकॉज दिस इज नॉट आवर एबिलिटी टू एक्सेप्ट थ्रू ज्ञान। तो हमको ज्ञान करेक्ट करना है या हमको करना है करेक्ट? दैट्स इट। व्हेन यू सी द अदर पर्सन, आपको लगेगा ये व्यक्ति क्यों सुधरता नहीं है, आप कैसा लगेगा? यू डोंट लुक देयर, लुक हियर। क्यों मैं स्वीकार नहीं कर सकती हूं? अगर प्रिंसिपली आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माय ऑल काइंड ऑफ सफरिंग, वॉट एवर द पर्सन, बट आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माय ईच एंड एवरी सफरिंग, राइट? देन व्हाई वी लुक द अदर पर्सन? दैट इज द मिस्टेक, एंड वी हैव टू करेक्ट अवर मिस्टेक, नॉट करेक्ट द अदर पर्सन। यू अंडरस्टैंड मी? तो आपको जो आपके पास जो सोच है, मैं कब तक इसको स्वीकार करूं, मतलब यू लुक द अदर पर्सन। यू अंडरस्टैंड मी? यहां सहन करने की बात नहीं है, यहां स्वीकार करने की बात है, क्योंकि ये मेरे ही कर्मों का फल है। तो जितनी बार ट्रांजेक्शन किया होगा उतनी बार रिजल्ट आएगा। आप समझे ना? तो आपको साइंटिफिकली स्वीकार करना है, थियोरेटिकल नहीं करना है। चलो भी एक बार छोड़ दो, 2 बार छोड़ दो, 5, ऐसा नहीं करना है। ये छोड़ने का नहीं है, ये एक्सेप्ट करना है, मगर साइंटिफिकली। सामने वाले व्यक्ति के पास जब श्वास लेने की स्वतंत्र शक्ति नहीं है तो हमको दुख देने की शक्ति कहां से लाएगा वो? राइट और रॉन्ग? तो फिर ये प्रिंसिपल को उस समय अपने सोच में रखना है। डोंट ब्लेम एंड क्लेम टू द अदर पर्सन, इट इज नॉट गुड फॉर यू। ओके? अगर आप उसके ऊपर क्लेम करोगे तो आपके लिए वो अच्छा नहीं है, और आप आपके जीवन में स्पिरिचुअल पाथ पे आगे नहीं बढ़ सकते अज्ञान लेकर। आई हैव टू रियलाइज वॉट एवर द यूनिवर्सल ट्रूथ फर्स्ट। अगर आप खुद इसको स्वीकार नहीं करेंगे आप आगे कैसे बढ़ोगे? सो वी हैव टू अप्लाई वॉट एवर द फैक्ट ऑफ यूनिवर्स इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, देन वी रियलाइज द सेपरेशन, अदरवाइज इट इज नॉट वेरी इजी। तो यहां सहन करने की बात ही नहीं है कोई,
या एक्सेप्ट करना है वो भी साइंटिफिक बेस है, साइंटिफिक विजन से, थियोरेटिकल एक्सेप्ट नहीं करना है। चलो भी हम उसको स्वीकार कर ले, झगड़ा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, इसलिए हम स्वीकार करते हैं, ऐसा नहीं करना है। इट्स अ रिलेटिव ट्रूथ, और रिलेटिव ट्रूथ लंबा नहीं चलता है। मैंने कहा ना स्पिन डपती है, फिर क्या होगा? दिस इज नॉट अ राइट सॉल्यूशन, इट्स अ टेम्पररी एडजस्टमेंट। तो हमारे जीवन में इसी प्रकार से आज ज्ञानी पुरुष के मार्ग में यही तो हुआ है। जब लोग साइंस को मानते नहीं है, साइंस को समझते नहीं है, साइंस को फॉलो नहीं करते हैं, तभी तो क्वेश्चन अराइज होता है। जीवन जीने के साथ हमारा विजन क्या होना चाहिए ताकि हम मन वचन काया से मुक्त रहे। संसार से मुक्त नहीं होना है, इसे मुक्त होना है, और संसार इसके साथ जुड़ा है, हमारे साथ नहीं जुड़ा है। मैं राइट और रॉन्ग? पूरा संसार बॉडी के साथ जुड़ा है, हमारे साथ नहीं जुड़ा है। हमको दुनिया से अलग होने की जरूरत नहीं है, हम अगर बॉडी से अलग रहे तो ब्रह्मांड से अलग है। राइट और रॉन्ग? इतनी छोटी बात को इतना बड़ा बना देते हैं, पूरी दुनिया से मुक्ति पाना है, और अभी नहीं पाना है, इससे पाना है। छोटी बात को बड़े बना देते हैं, फिर लोग क्या करते हैं, डर जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। दिस इज नॉट राइट अप्रोच। जो व्यक्ति अपने मन वचन काया से हर समय मुक्त रहता है, वही मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं। दुनिया से मुक्ति नहीं पाना है, दुनिया का रिलेशन तो उसके साथ है, हमारे साथ नहीं है। वी हैव नो एनी रिलेशन विद द वर्ल्ड। तो अगर हम अपने ज्ञान से ये मन वचन काया से मुक्त रहते, इट इज मोर देन इनफ। रामकृष्ण माइंड भी यही तो किया था, मन वचन काया से वो मुक्त रहते थे, दुनिया से मुक्त नहीं रहते थे, और नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो कर्म लेके आए वो तो फिनिश करना पड़ेगा बॉडी से। तो या ये साइंस समझना है, साइंस में हर बात संक्षिप्त होती है, क्या होती है, शॉर्ट में होती है, बड़ी बड़ी नहीं होती है, क्योंकि वहां थियरी नहीं है ना, क्या नहीं है, बिल्कुल प्रिंसिपल के फॉर्म में है। जैसे ये बहन ने प्रश्न पूछा कि मेरे को इस प्रकार की गुस्से का मेरा स्वभाव है, तो सॉल्यूशन क्या है, तो मैंने क्या बताया, हर प्रकार की वीकनेस के लिए सॉल्यूशन है। अभी जिंदगी में कोई प्रश्न नहीं करेंगी वो कि मैंने में ये गलती है तो क्या करूंगा, बिकॉज आई गिव द परमानेंट सॉल्यूशन, नॉट फॉर द गुस्सा ओनली। तो उसको साइंस बोलते हैं। साइंस में पर्टिकुलर नहीं होता है, साइंस के अंदर एग्जैक्ट होता है, क्या होता है, इसके लिए अलग, ऐसा नहीं होता है, प्रिंसिपल इज द सेम। मैंने क्या कहा कि अगर लॉ ऑफ नेचर को कोई स्वीकार करे या ना करे, फिर भी इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल, आइदर दे बिलीव इट और नॉट। समझ गया है ना? तो ऐसा नहीं है ना, भी मैं तो नहीं मानता हूं, मुसलमान तो नहीं मानते, ऐसा यह सब्जेक्ट ही नहीं है, इट इज कंपल्सरी फॉर ऑल। नहीं मानते वो उसकी अज्ञानता है, ये कोई नई बात नहीं है, नहीं मानना कोई बड़ी बात नहीं है, अज्ञानता है वो। तो इसीलिए एक्सक्यूज नहीं है, चलो नहीं मानता हूं तो मेरे को तकलीफ नहीं होगी, ऐसा नहीं है। यू हैव टू सफर एज पर योर कॉज, यू हैव टू टेक रीबर्थ एज पर योर कॉज, इट इज नॉट योर चॉइस। आप समझे ना, ये चॉइस नहीं है कि मेरे को लेना है या ना लेना है। बिलीफ चेंज करिए तो पछि अपना वो ओछा थता जाए। या यानी बिलीफ चेंज करो विथ योर साइंटिफिक विजन। साइंटिफिक बिलीफ तो चेंज व्यवहार में पण थाय, एवं नहीं कहते, साइंटिफिक विजन हो जो कि जो परमानेंट होय, एवरी सर्कमस्टेंसेस में अलग अलग होय, एवं ना हो जो। तो सभी संजोग में विजन साइंटिफिक होना चाहिए, थियोरेटिकल नहीं होना चाहिए। आज मैं कहूँगा कि चलो भाई आपको हस्बैंड और वाइफ पे झगड़ा है तो आपको मौन रहना है, इट्स नॉट अ सॉल्यूशन। उसका मतलब ये कि मैं आपको कहता हूँ कि आपके पास मौन रहने की क्षमता है, मैं स्वीकार करता हूँ, तभी आपको कहूँगा ना उतर दूंगा। आई नो दैट यू हैव नो पावर टू स्पीक और नॉट टू स्पीक, तो मैं उसका उत्तर देने से फायदा क्या होगा आपको, नथिंग। जो आपके हाथ में ही नहीं है उसी प्रकार का मैं उत्तर दूंगा तो क्या होगा, ये सॉल्यूशन रहेगा लंबा नहीं रहेगा। तो इसी प्रकार से रिलेटिव आंसर का रिलेटिव उत्तर देने से क्या फायदा है, नथिंग। इस तरह का टेम्पररी सॉल्यूशन, आप समझे ना, ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। तो हर
हर क्वेश्चन के पीछे हमको साइंटिफिक रीजन चाहिए, तभी हमको हर प्रकार के संयोग में समाधान रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। आज लोग डरते क्यों है, लोग डरते क्यों है, ज्ञान लेने के बाद भी डरते क्यों है, महाविद्या क्षेत्र में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, वहां से मुख होगा कि नहीं होगा, या फिर डरते क्यों हो, ये ज्ञान डरने के लिए है? साइंस समझ में नहीं आया। जब जब मेरा पुरुषार्थ सही ट्रैक पर है तो रिजल्ट तो कुदरत देने वाले, आई एम वरीड अबाउट दिस। मगर मेरे को लगता है कि मेरे को जाना है तो जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आई एम डाउट, क्योंकि साइंटिफिक विजन नहीं है ना मेरे पास। दैट द क्वेश्चन। हर प्रकार का उत्तर साइंटिफिकली होना चाहिए, अपना विजन भी साइंटिफिकली होना चाहिए, ताकि उनमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सफरिंग तो रहेगा, वो 100% रहेगा। रामकृष्ण महावीर को भी सफरिंग था, मगर अंदर साइंटिफिक विजन था, सो देयर वाज नो एनी कंफ्यूजन। तो अंदर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बाहर सफरिंग तो रहेगा जो भी लेके आए। तो सॉल्यूशन चाहिए, क्या चाहिए, और वो भी परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। तो इसीलिए उसके पीछे साइंटिफिक विजन होना चाहिए, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ विजन होना चाहिए। और आपको ये बात समझ में आती है नहीं कि लॉ ऑफ नेचर इज क्रिएटेड बाय एनी पर्सन? लॉ ऑफ नेचर इज क्रिएटेड बाय एनी पर्सन? नो। व्हेन आई स्पीक, दादा भगवान सेज, व्हाट द पीपल दे अंडरस्टैंड? लोग क्या समझेंगे, आप समझे मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई व्यक्ति कहेंगे कि ये व्यक्ति ने ये बात बताई, इट मीन्स ही इज अ क्रिएटर, यू अंडरस्टैंड मी? तो ये इंडिविजुअल बात हो गई, क्या हो गई, आप समझे? मैं कहूँगा कि ये राम ने कहा है तो कृष्ण वाला कहेंगे मेरे काम का नहीं है, मैं कहूँगा ये कृष्ण ने कहा है तो माहिर वाला बोलेगा मेरे काम का नहीं है, हम तो माहिर को मानते हैं। ऐसा होगा कि नहीं होगा? बिकॉज यू पुट अप द वर्ड्स ऑफ द पर्सन, यू आर नॉट पुट अप द यूनिवर्सल ट्रूथ। एम आई राइट और रॉन्ग? यू पुट अप द यूनिवर्सल ट्रूथ इन टर्म्स ऑफ द पर्सन, देन इट्स अ इंडिविजुअल। भले वो यूनिवर्सल ट्रूथ है मगर फिर भी इंडिविजुअल हो जाएगा। मगर व्हेन यू प्रेजेंट द साइंस एज इट इज, एनीवन कैन एक्सेप्ट इट, वॉट एवर देयर रिलीजन, वॉट एवर देयर गुरु, बट स्टिल दे एक्सेप्ट इट बिकॉज यू प्रेजेंट एज अ लॉ ऑफ नेचर, नॉट लॉ ऑफ पर्सन। हम 35-38 साल से सत्संग कर रहे हैं देश और विदेश में, ये अनुभव के बाद में ये बात बोल रहा हूँ। मैं भी यही गलती करते करते ही एक्सपर्ट हुआ हूँ, ऐसे नहीं हुआ हूँ, ये गलती करते करते ही एक्सपर्ट हुआ हूँ कि व्हाई द पीपल दे आस्क मी सो मेनी अननेसेसरी क्वेश्चन, इट इज नॉट रिक्वायर्ड देयर, दे वॉन्ट टू आस्क मी साइंटिफिक क्वेश्चन, बट बिकॉज माई प्रेजेंटेशन इन आर बेस ऑफ रिलेटिव ट्रूथ, सो देर सो मेनी दे आस्क मी सो मेनी क्वेश्चन अबाउट द रियल ट्रूथ, अबाउट द रिलेटिव एंड रियल ट्रूथ। आप समझे ना? मैं कहूँगा कि भाई ये ज्ञान लेने से ही आपको मुक्ति होगी, तो फिर वो प्रश्न करेंगा क्या ये ज्ञान और कोई व्यक्ति दे सकता है, क्या किसी की मोनोपोली है, तो मैं क्या कहूँगा, आप समझे? मैं कहूँगा कि ये दुनिया व्यवस्थित चलती है, तो फिर वो कहेगा कि व्यवस्थित किसने बनाया, वो कौन चलाता है, मगर मैं कहूँगा लॉ ऑफ नेचर, लोग समझ जाते हैं। तो आखिर लोग समझे वो बराबर है या वही ट्रेडिशनल शब्दों का यूज़ करना चाहिए? That's it. कैसे भी करके उसके मन का समाधान होता है, दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर मैं वही शब्द का यूज करके दूसरे के मन में क्वेश्चन खड़ा करता हूँ तो इट मीन्स योर प्रेजेंट इज नॉट करेक्ट, प्रेजेंटेशन इज नॉट करेक्ट। उन्होंने जो कहा वो बराबर है क्योंकि उनका अनुभव था, क्या था, मगर आपको जो अनुभव है वो उसी भाषा में आपको प्रेजेंट करना चाहिए, और वो अनुभव ऐसा होना चाहिए इजी टू अंडरस्टैंड, नॉट टू क्रिएट द सो मेनी क्वेश्चन। तो आज मैं कहूँगा सब लोगों को कि यह व्यवस्थित है, तो फिर क्या होगा, क्वेश्चन होगा कि नहीं होगा?
मैं कहूंगा लॉ ऑफ नेचर तो प्रश्न होगा नहीं होगा। तो बात तो एक ही है, बात डिफरेंट नहीं है, प्रेजेंटेशन डिफरेंट है। लॉ ऑफ नेचर कहो या व्यवस्थित शक्ति कहो या कुदरत का कानून कहो, एक ही बात है। कैसे भी करके लोगों के मन में समाधान होना चाहिए और वो भी विदाउट कंफ्यूजन। संभाव का मतलब होता है, संभाव रखता है प्रतिष्ठित आत्मा, आई एम, उसको संभाव रखना है। और निकाल तो व्यवस्थित करता है, वो हम नहीं करते हैं। किसी को मारना न मारना, किसी को चीट करना या न करना, किसी पर गुस्सा करना या न करना, वो हमारे हाथ में नहीं है, ये तो उनका स्वभाव है। और ये इनका स्वभाव है, वो हमारे हाथ में नहीं है। तो निकाल की बात हमारे हाथ में नहीं है, मगर जहाँ तक इंटेंशन की बात है हमारे हाथ में है। तो समभाव इज ऑन अवर हैंड, बट निकाल इज नॉट इन अवर हैंड। मगर अंदर संभाव रहे और बाहर जो कुछ भी निकाल हुआ उसका नाम है संभाव निकाल। अंदर संभाव होना चाहिए। लाखों लोगों की हिंसा करने वाले राम भी अंदर संभाव में थे, इसीलिए कर्म नहीं बने। तो क्रिया का मतलब होता है, क्रिया का कंट्रोल कुदरत है, उसके अंदर हमारा भाव क्या है अंदर, दे क्रिएट द न्यू कॉज। तो अंदर संभाव होना चाहिए, बाहर नहीं। बाहर तो हमारे हाथ में है ही नहीं, तो फिर संभाव ना संभाव की बात ही कहा है। बाहर का भाव टोटली डिसाइडेड है। क्या है क्रिया? कोई गलत होती नहीं है, गलत है कि सही है नहीं, बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट अगर गलत हो सकती है, बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट, पर बाय फैक्ट यू आर नॉट कंट्रोलर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट एक्शन इफ यू आर नॉट डूअर एंड ऑनर ऑफ योर बॉडी। इसलिए कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बताया कि भाई तू युद्ध कर, नहीं तो युद्ध करने का बुरा है, तो नहीं कोई मारने का तो कर्म बुरा है, तो कोई सिखाता नहीं है। पर कृष्ण भगवान भी जानते थे कि कोई कर्म गलत भी नहीं है, राइट भी नहीं है और रॉन्ग भी नहीं। उन्होंने ये कहा कि कर्मण्येवाधि का रस्ते मा फलेषु कदाचन, हे जीव तू कर्म किए जा, एज पर योर सर्कमस्टेंसेस यू हैव टू डू वट एवर योर ड्यूटी। इफ यू आर कमिंग इन अ बैटल फील्ड एंड यू आर क्षत्रिय एंड देन आफ्टर यू टेल अस कि आई एम नॉट डूइंग दिस एंड दैट, दिस इज नॉट योर क्षत्रिय, दिस इज नॉट नेचर ऑफ क्षत्रिय। यू आर कमिंग इन अ बैटल फील्ड, यू आर नॉट एट होम। घर पे आप कुछ भी सोच करना चाहे कर सकते हैं, मगर बैटल फील्ड में आके आप कहते हैं मेरे को युद्ध नहीं करना है, दिस इज नॉट राइट। तो वॉट एवर यू हैव टू डू बट आप ये सोचो कि हे अर्जुन, तुम अर्जुन नहीं हो, अर्जुन तो विनाशी है और तुम अविनाशी हो, अर्जुन तो कर्म सत्ता के आधार से चलता है और तुम तुम्हारे स्वभाव से चलते हो, तुम दोनों क्या हो, अलग हो और अलग ही रहो, बस अलग तो हो मगर रहो कैसे अलग। देन यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल कि अर्जुन क्या करता है। तो यहां बात आती है दृष्टि की। अर्जुन मैं नहीं हूं और अर्जुन को चलाने वाला भी मैं नहीं हूं, तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एक्ट डन बाय द अर्जुन। तो कृष्ण भगवान ये कहना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि अर्जुन तुम्हारे भी बहुत अवतार हो गए और हमारे भी बहुत अवतार हो गए। तो अवतार का मतलब होता है सोल, सोल के आधार से रिबर्थ होता है, बॉडी के आधार से रिबर्थ नहीं होता है। तो कितने अवतारों से, हमारा भी बहुत अवतार हो गया, आपका भी बहुत रिबर्थ हो गया। तो हर अवतार में हमको यही जानना था कि हु आई एम, मगर ये हमने नहीं जाना, तभी हम भटक रहे हैं। और नहीं जाना उसका मतलब क्या है कि हमने ये आत्मा है ऐसा ज्ञान तो कई अवतारों से है, इट्स नॉट अ फर्स्ट टाइम, मगर जो ज्ञान होना चाहिए जिसमें हम फंसे हुए हैं वो ज्ञान नहीं जाना। हम किस में फंसे, आत्मा में या संसार में? तो निकलना किस में से है? तो एग्जाम किस में देनी है, क्या आत्मा में देनी है? बस ये रॉन्ग बिलीफ हो गई, हमने सोचा हमको आत्मा में तैयार होना है। तो ये आत्मा तो है, जहां तक आप संसार को साइंटिफिक वे से नहीं जानोगे वहां तक कंप्लेन इन क्वेश्चन अंदर करते रहोगे, एंड यू क्रिएट द न्यू कॉज एंड एट दैट वे द साइकिल ऑफ रीबर्थ इज कंटिन्यूअस। So you have to correct inside, not outside.
लोग कहते हैं हम मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, ऐसे रहूंगा तो स्वामी जी कर्म नहीं बनेंगे? बनेंगे, शुद्धात्मा से क्या फायदा? जब वाइफ आपके ऊपर गुस्सा करती है तब संभव में नहीं रहते हैं, तब आत्मा चला जाता है, उसका मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि ज्ञान ऐसा होना चाहिए हर प्रैक्टिकल सर्कमस्टांसिस के अंदर आप अप्लाई करके आप सेपरेट रह सको, इसको ज्ञान कहते हैं। ज्ञान नॉलेज नहीं है, ज्ञान प्रैक्टिकल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जो आप प्रैक्टिकल लाइफ में इसका यूज करके आप इसको एक्सपीरियंस कर सको। ये कोई गंभीर बात नहीं होनी चाहिए, आप समझे? छोटे से छोटे व्यक्ति जिनके पास कम सोच है वो व्यक्ति भी साइंस को समझ के अप्लाई करके एक्सपीरियंस कर सके। ऐसा नहीं होना चाहिए ज्ञान कि जो लोग बहुत सारे थिंकर है हाई लेवल के वही बात समझ सके, ऐसा ज्ञान नहीं होना चाहिए। आम आदमी भी उसको समझ सके ऐसा ज्ञान होना चाहिए, ऐसा प्रैक्टिकल ज्ञान होना चाहिए। आम तौर पे लोग कहते क्या कहते हैं कि हम जब आध्यात्म की बात करते हैं तो लोग समझते हैं हमारे बस की बात नहीं है, ऐसा सोचते हैं ना। मगर मैं कहता हूँ ये आध्यात्म विज्ञानी ऐसी बात है जो सबके लिए सिंपल है टू अंडरस्टैंड एंड टू अप्लाई, क्योंकि वो एक्शन बेस पर नहीं है। क्या नहीं है? नहीं है। आपको क्या करना है क्या नहीं करना है यहाँ साइंस में है ही नहीं, क्योंकि आपके पास करने की स्वतंत्रता है ही नहीं, तो मैं क्यों बात करूं आपको कि ये करो या ना करो? अगर मैं आप कहूंगा कि ये करो या ना करो, इट मींस मैं जानता हूं कि आप डूअर है, तो ये मेरी अज्ञानता है, आपकी नहीं है। तो इस प्रकार का ज्ञान मेरे को नहीं देना चाहिए एज अ साइंटिफिक। ओके, रिलीजियस में देते हैं क्योंकि वो डूअरशिप के फॉर्म में है, तो वहां करेक्ट है कि आप पूजा करो, ये करो, वो करो, वहां करेक्ट है, क्योंकि वो धार्मिक मार्ग है, वो डूअरशिप के बेस पर है, वो पाप पुण्य का मार्ग है, वो मुक्ति का मार्ग नहीं है। स्पिरिचुअल पाथ वो पाप पुण्य से पर है और वो अज्ञानता को निकालने का मार्ग है, क्रिया को बदलने का मार्ग नहीं है कि पाप से पुण्य में जाओ, ये मार्ग स्पिरिचुअल नहीं है। पाप और पुण्य दोनों को समाप्त करके व्हाट इज द यूनिवर्सल ट्रूथ वी हैव टू ट्राई टू रियलाइज, उसमें पाप पुण्य नहीं आता है, अच्छा बुरा नहीं आता है, आपको सनातन सत्य जानना है और पाप और पुण्य दोनों रिलेटिव सत्य है, तो रिलेटिव सत्य से ऊपर उठना वही है स्पिरिचुअल पार्ट। तो उसमें डूअरशिप आता ही नहीं है, डूइंग होता है, क्रिया करने का होता है, मगर क्रिया के अंदर डूअरशिप नहीं होनी चाहिए। जैसे मकान मैंने खरीदा है तो मकान का मालिक हूं, मगर मेरे विजन में मालिक की पर यानी ओनरशिप नहीं होनी चाहिए। आई एम अ ओनर बट इन माई माइंड ओनरशिप नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक न एक दिन वो जाने वाला है, या तो मैं जाऊंगा या ये मकान जाएगा, इट इज 100% ट्रू। तो ओनरशिप नहीं होनी चाहिए, ओनर तो होना चाहिए, वो रिलेटिव ट्रूथ है। ओनरशिप वो मानसिक ट्रूथ है, मगन में है, जैसे ये मेरी चीज है मैंने खरीदा है, मैं मालिक हूं उसका, मगर मालिकीपन कब साबित होगा? ये चला जाने के बाद मेरे को इफेक्ट होती है, इट शुड बी कॉल्ड ए डूअर्स ओनरशिप नॉट ओनर। ओनरशिप वो जाने के बाद भी इफेक्ट होती है, ओनरशिप नहीं होनी चाहिए। ओनर इज अ रिलेटिव टर्म। ऐसे हर चीज में आप देखो, ये मन वचन काया है तो ये मन वचन काया मेरा है ऐसा मैं बोल सकता हूँ, मगर उसमें ओनरशिप नहीं होनी चाहिए। अगर उसके साथ ओनरशिप होगी तो राग में सोगे ही आपके, ये मनुचन का है मेरा है व्यवहार से ऐसा मैं बोल सकता हूँ, उसमें कोई गलती नहीं है बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट, पर उसमें ओनरशिप नहीं होनी चाहिए। ओनरशिप वो अज्ञानता है और ओनर होना वो रिलेटिव ट्रूथ है। क्या है? ट्रूथ, रियल ट्रूथ नहीं है, रिलेटिव ट्रूथ। तो हर बात को साइंटिफिक एंगल से आप समझोगे तो आप खुद अपने जीवन में फ्रीडम अनुभव कर सकते हैं, हर व्यक्ति कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति ये साइंस को अप्लाई करके एक्सपीरियंस कर सकते हैं, एनी वन कैन, इट्स नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ कंडीशन और रिचुअल्स। इसीलिए मैं हर सत्संग में बोलता हूं, आपका जो कोई रिलीजन है, आपका जो कोई गुरु है, आपका जो कोई भगवान है और आपकी जो कुछ भी रिचुअल्स है, यू कीप कंटिन्यूअस एज इट इज,
But in your vision, keep the scientific vision all time. That's it. It's not required you change your prakriti. You do this and that, not to do this and that. This is not science. This is a relative truth. Yes, har dharma ke andar hota hai, ye karo, ya na karo. Ye doership ka marg hai. Aur spiritual path non-doership ka hai. Aur Bhagwan, Dada Bhagwan ka Aptaputra number one. Aptaputra number one. Unme spasht ka hai, pehle number ka. Ke tare mokshe jau hoi, to kahin ch karwani jarur nahi. And tare sansar ma bhatku hoi, to badhu ch karwani jarur chhe. This is the first Aptaputra. तो दादा भगवान ने ये कहा है कि अगर आपको मोक्ष में जाना है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है इन टर्म्स ऑफ डूअरशिप ओके नॉट इन टर्म्स ऑफ डूइंग डूइंग इज कंपलसरी बट डूअरशिप इज नॉट कंपलसरी तो अगर आपको मोक्ष में जाना है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है अगर आपके संसार में भटकना है तो सब कुछ करने की जरूरत है यू हैव टू डू व्हाटएवर यू हैव टू लाइक टू डू तो आज नहीं तो कल जो भी व्यक्ति को रियली स्पीकिंग स्पिरिचुअल पाथ पे जाना है दे हैव टू फॉलो द स्पिरिचुअल साइंस और ये साइंस का मैं क्रिएटर नहीं हूं साइंस इज अ परमानेंट आई जस्ट रियलाइज द साइंस एंड आई सेल इट द साइंस नॉट टू सेल इट ओके मैं अपने अनुभव को साइंटिफिक एक्सपीरियंस को मैं शेयर करता हूँ सेल नहीं करता हूँ आप समझे ना Or anyone can realize it. It's not require any kind of rituals or anything else. So that's something. What else? Anyone have a question? Please. आपको प्रश्न है? नहीं है तो प्रश्न कर सकते हैं मतलब है तो. कोई बात नहीं तो मैंने कहा आज आपके दिमाग में कोई प्रश्न भी है तो कल या परसों आता है तो हम लोग सत्संग या श्योर 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 राधा यू हैव एनी क्वेश्चन एनीवन हैव अ क्वेश्चन यस प्लीज जैसे सत्संग में बहुत लाउडली ओके प्लीज सब सत्संग में आते इकट्ठे होते जैसे मैं आई हूं यहां पर या प्लीज प्री डिसाइडेड ही होता है सब जी ओके या 100% मैं आया हूं वही प्री डिसाइडेड है एवरीथिंग इज हैपन इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस नोबडी इज इंडिपेंडेंट इन दिस यूनिवर्स आइदर दे लॉर्ड रामा कृष्णा एंड महावीर स्टिल दे ऑल आर डिपेंड ऑन सर्कमस्टेंसेस लाइक अस सो इन अ रिलेटिव टर्म्स Each and every living being creature, they are depend on circumstances. They have no any option I have to do or not to do. Okay? It is compulsory. यहाँ कोई option नहीं है जो आने वाले हैं वही आएंगे जो नहीं आने वाले हैं वो नहीं आएंगे आने वाले हैं उनके पीछे सो कुछ बहुत का सारा reason है नहीं आने वाले हैं उनके पीछे बहुत सारा reason है मगर जो होता है वो साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है उसमें किसी के पास फ्रीडम नहीं है जो आना चाहते हैं वो भी नहीं आ सकते और नहीं आना चाहते सोचा भी नहीं है और किसी ने कहा चलो आप फ्री बैठे चलो मेरे साथ तो आ भी सकते हैं ऐसा नहीं है कि आप इंटेंशनली आए ऐसा भी नहीं हो सकता है बट ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस Swami, one question, because some people have taken, they were listening to this satsang Very good. In the past. So, what is the smallest way of doing pratikraman, that how the pratikraman should be? Pratikraman, jahan tak hamare soch mein doership hoti hai, maine ye kiya, maine ye kiya, maine ye kiya, wahan tak pratikraman aisa hona chahiye, ke ye meri galti ho gayi hai, ye galti ko main swikar karta hoon, unke liye kshama maangta hoon, और बार बार ऐसी गलतियां ना करूं ऐसे ही परमात्मा मेरे को शक्ति दे जहाँ तक मैं डूअर हूँ जब मेरे विजन में से डूअर से निकल जाए और मेरे को मालूम है कि आई एम अ प्योर सोल एंड दिस बॉडी
controlled and governed by the nature, as per the law of nature, as per previous birth cause. अगर ये vision मेरे पास है, उसके बाद भी इससे तो गलती होगी, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है. उसके बाद प्रतिक्रमण कौन होना चाहिए कि भी ऐसी प्रकृति मेरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रकृति मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक नहीं है. Not subject to action. हाँ, उनको सब्जेक्ट टू एक्शन या सब्जेक्ट टू पर्सन प्रतिक्रमण नहीं करना है. ये प्रकृति मेरी जो कुछ बिहेव कर रही है, वो प्रकृति मेरे को कैरी फॉरवर्ड नहीं चाहिए. सब्जेक्ट टू मोक्ष, इट इज गुड और बैड, दैट इज नॉट माय सब्जेक्ट. बट सब्जेक्ट टू मोक्ष करंट प्रकृति इज नॉट करेक्ट. इनकी इच्छा है मेरे को आइसक्रीम खाना है, इनकी इच्छा है होटलों में घूमना है, इनकी इच्छा है थिएटर में घूमना है, ये उनकी इच्छा है, उससे उसको आनंद ही मिलता है. मगर इस प्रकार की प्रकृति की मेरे को नहीं चाहिए, बिकॉज ऑफ ये प्रकृति मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहाय नहीं. इसलिए जो जो लोग व्यक्तियों को अभी अभी जो हो रहा है, शादियों में जाना, पार्टियों में जाना, मूवी देखना, तो वो तो सब ये भर के आए हैं, तो प्रकृति में सब कंपल्सरी है. पर निकलते समय हमारा नया भाव, हाँ, यू कैन करेक्ट योर इंटेंशन, दैट्स इट. तो इसे इंटेंशन बोला जाता है, इसे भाव बोला जाता है, दैट्स इट. You have to correct your intention. That's so every time कुछ गलत होता है तो कुछ भी ऐसे ही भाव करना चाहिए कि हमारी प्रकृति ऐसी ना नहीं होनी चाहिए, हमारी साइन नहीं होनी चाहिए कि भाई ये बहुत अच्छा है, घूमना तो चाहिए ना, ऐसा नहीं होना चाहिए. क्योंकि कोई भी कर्म विदाउट योर सिग्नेचर चार्ज नहीं होता है. When you sign it, अगर किसी के ऊपर गुस्सा कर दिया और बाद में अंदर साइन कर दिया, ऐसा करना ही चाहिए उसके लिए, यही इसको लायक है. When you sign it, the same kind of prakriti carry forward in next birth because of your signature. मगर आपने कहा कि गुस्सा हो गया, मगर आपने साइन नहीं किया, नहीं नहीं, दिस इज नॉट गुड. तो यही प्रकृति कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी. और फिर मैं शिल्पा, मैं हूँ, वही जान के हमको प्रतिक्रमण नहीं करना है, पर ये बॉडी से हुआ है, मैं इससे अलग शुद्धात्मा हूँ, ये भाव में होना लास्ट लेवल का है. वो तो लास्ट लेवल का है, हाई लेवल का है. वो जब सेपरेशन फील होता है, उसी समय उसको प्रतिक्रमण नहीं करना है, अलग रहना, वही प्रतिक्रमण है. अगर वो अलग नहीं रह पाते हैं तो उपयोग की चूक हुई, उसका प्रतिक्रमण करते हैं, वो एक्शन का नहीं करते हैं. पर हमारा मिडिल का, कि मिडिल का है, सेकंड स्टेप पर हमारा नहीं होना ऐसे. हमारा अभी सेकंड स्टेप पर है, थर्ड स्टेप ज्ञानियों का होता है, तो सेकंड लेवल पे है. हर व्यक्ति का जो कुछ डेवलपमेंट होता है, उसी प्रकार के आधार से उनका जो पुरुषार्थ है वो भी डिफरेंट होता है, इक्वल नहीं होता है. ज्ञानी पुरुष दादा भगवान और हमारा पुरुषार्थ इक्वल नहीं होता है. सबके लेवल के मुताबिक पुरुषार्थ है, क्या है, और दादा भगवान और महावीर का पुरुषार्थ एक नहीं होता है, सबका अलग होता है, डिपेंड ऑन लेवल. अगर ये सत्संग कंटिन्यूस कल है, प्रश्न करते रहो. मैंने आज सिर्फ बेसिक बताया, साइंस तो बहुत बड़ा है, मगर एक दिन में मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, आप समझ भी नहीं पाओगे. तो स्लोली स्लोली मैंने उसको भी कहा कि जंप मत करो, भी वेट, आपके सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा, मगर मेरे को पहले बेस बनाने दो, ताकि मैं सबको देखता हूँ कि सबके अंदर ये समाधान मिलना चाहिए. Then you go up, up and up. मैं इसलिए जंप करूँगा तो और लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए स्लोली स्लोली, क्योंकि ये साइंस को समझाना है, मेरे को थियरी नहीं समझाना है, साइंस को. और साइंस आपके दिमाग में बैठना चाहिए. अगर नहीं समझ में आया है तो देन यू आस्क मी अ क्वेश्चन, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन द साइंस इन अनदर वे टू. मगर आपको ये साइंस, ये स्पिरिचुअल साइंस आपको समझ में आना चाहिए. नहीं समझ में आता तो प्रश्न कर सकते हैं, मगर ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली यस यस, ऐसा नहीं होना चाहिए. यू ट्राई टू अंडरस्टैंड. और मेरी भाषा इतनी टिपिकल नहीं है कि आप नहीं समझ पाते हैं. माय स्पीच इज वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. मैं कभी कोई शास्त्रों के शब्दों का यूज नहीं करता हूँ. मैं जो अपनी जो लैंग्वेज होती है उस शब्दों का मैं प्रयोग करता हूँ. इसीलिए शब्द भी मेरा ऐसा नहीं है कि आपको समझने में कोई कठिनाई आए. वेरी सिंपल वर्ड्स, सो एनी वन कैन अंडरस्टैंड. आप समझे ना? क्या? या प्लीज प्लीज प्लीज. आपने
અમુક વસ્તુ જે ખબર પડી જાય છે આગળથી એ શું છે એની પાછળ કયું સાયન્સ હોય એ તો હોય उनका प्रश्न ये था कि कई बार ऐसा होता है अपने जीवन में कि जो कुछ होने वाला है वो पहले प्रिडिक्ट हो जाता है कि ऐसा होगा और ऐसा होता भी है तो उनके पीछे व्हाट इज द उसके पीछे साइंस क्या है या तो उसके पीछे रहस्य क्या है ये उनका प्रश्न है। तो हर व्यक्ति की जो प्रकृति होती है हर व्यक्ति के पास ऐसी क्वालिटी होती ही है मगर कभी वो ओपन होती है कभी नहीं होती है क्योंकि उसके पास उनके पास कोई सिद्धि नहीं है जो हर समय में वो समझ सके। मगर ऐसा ज्ञान सबके पास होता है कभी कभी उसको फोरकास्ट हो जाता है बट नॉट श्योर। आप समझे हर समय नहीं होता है ऐसा सम टाइम तो आपको मालूम नहीं होता है कि अभी मेरे को विचार आया वो होगा या नहीं होगा होने के बाद आपको लगेगा जो विचार आया था उसके मुताबिक हुआ। तो इसीलिए उसको ज्ञान तो नहीं कहेंगे मगर ये ज्ञान ऐसा है कि जैसे कहें कि कोई व्यक्ति को एकदम संजोग के आधार से कुछ मालूम हो जाता है कि कमिंग इवन कास्ट देयर शैडोज बिफोर तो ऐसा हो भी सकता है मगर ये कोई सिद्धि नहीं है। सिद्धि होती है तो हर संजोग दिखता है आपको। तो ये ज्ञान तो सबके पास होता है कम या ज़्यादा हो सकता है। डिस्चार्ज है सिद्धि होती है वो भी डिस्चार्ज है मगर एक प्रकार का सिद्धि को ज्ञान बोलेंगे क्योंकि वो हर संयोग को देख सकते हैं हम नहीं देख सकते हैं तो ये सिद्धि नहीं है। इसीलिए जो भी विचार आएंगे ऐसा होगा ही ऐसा हम मान नहीं सकते हैं कभी सही भी होता है कभी सही नहीं भी होता है। इसीलिए ऐसा हो सकता है हर ह्यूमन के पास ऐसा पावर होता है कॉमन पावर कभी कभी उसको फोरकास्ट हो जाता है मगर ये अपने काम की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि जो होने वाला ही वो होगा अगर हमको दिखे या ना भी दिखे होने वाला है वो तो होगा। Why we think about the future? It is decided already. Yeah, it is okay. अपने आप आता है दिख जाता है इट इज ओके। मैं ये नहीं कहता हूँ कि क्यों आया मगर हमको जो क्यूरियोसिटी होती है ना क्या होगा क्या होगा ये नहीं होना चाहिए बिकॉज एवरीथिंग इज फिक्स इफ यू नो और नॉट नो टिल इट इज फिक्स। इसलिए ये जानने की जरूरत नहीं है इतना कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। दादा ने अगर जाना होगा उस समय कि पास्ट में क्या होगा या सॉरी फ्यूचर में क्या होगा तो क्या होता उसको टेंशन होता ऐसा ऐसा होने वाला है जानने की क्या जरूरत है जो होने वाला है वही होगा कोई नई बात नहीं है। जो कुछ कॉज लेके आया होगा वो इसके भेंट आएगी उसमें वो चेंज तो नहीं कर सकते तो क्यों जाने वाय। ये आम लोगों को क्यूरियोसिटी होती है कि भविष्य में क्या होगा ज्ञानियों को नहीं होती है। केवल ज्ञानियों को भी नहीं होती है कि क्या होने वाला है कल वो नहीं जानते हर समय वो प्रेजेंट में रहते हैं किसमें रहते हैं वर्तमान में रहते उनको फ्यूचर जानने की अवसर नहीं है उनके पास ज्ञान होते हुए भी। बस अभी प्रेयर बुलाते ओके। हे अंतर्यामी परमात्मा आप हर एक जीव के अंदर विराजमान है वैसे मुझ में भी विराजमान है आपका स्वरूप वो ही मेरा स्वरूप है मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है। हे शुद्ध आत्मा भगवान मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के वश मैंने जो जो दोष किए हैं वो सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर
जागृत करता हूँ उनके लिए हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ। हे प्रभु मुझे क्षमा करे क्षमा करे क्षमा करे और बार बार ऐसी गलतियाँ न करूँ। ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। हे शुद्धात्मा भगवान आप ऐसी कृपा करें कि हम में से भेदभाव निकल जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो आप और हम अभेद भाव से तन्मयाकार रहे। जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद।